हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हार्ट एनाटमी, जो कि हमारा थॉरेक्स का पार्ट है। इसको हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लिनिकल एनाटमी, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम, आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट यानी कोरोनरी आर्टरीज वगैरह के बारे में देखेंगे, वेन्स ऑफ द हार्ट के बारे में देखेंगे। मतलब कंप्लीट हार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस हार्ट में पहले हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द हार्ट इज अ कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल मीडिया स्टीनम। अब ये मीडिया स्टीनम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको मीडिया स्टीनम वाली वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी थोड़ा मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। मीडिया स्टीनम बेसिकली क्या है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी के मिडल में जो स्पेस खाली बचती है दो लंग्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम बोलते हैं। और ये मीडिया स्टीनम हमारी एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारी एक्सटर्नल एंगल से पास करती है। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, तो ये हमारा एक ट्रांसवर्स रिज होती है जो कि 5 सेंटीमीटर बिलो द सुप्रा एक्सटर्नल नॉच सिचुएटेड होती है। यहाँ पर हमारा एट द लेवल ऑफ सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज, और ये हमारा मार करती है मैन्यूब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट को। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन इस मीडिया स्टीनम को सुपीरियर मीडिया स्टीनम और इन्फीरियर मीडिया स्टीनम में डिवाइड करती है, और इन्फीरियर मीडिया स्टीनम हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम में। तो जो हमारा हार्ट है वो हमारा मिडल मीडिया स्टीनम में सिचुएटेड होता है। इट इज एनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम। तो इसको जो कवर करती है वो हमारी पेरिकार्डियम होती है। द हार्ट इज प्लेस्ड ओब्लीगली बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज। सो 1/3 ऑफ इट लाइज इन द राइट एंड 2/3 ऑफ द 2/3 टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन। तो हमें पता है हार्ट जो हमारा ओब्लीगली सिचुएटेड होता है बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और ऐसे सिचुएटेड होता है कि इसका जो 1/3 पार्ट है वो हमारा राइट में होता है, और जो इसका 2/3 पार्ट है वो हमारा लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन सिचुएटेड होता है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन। ये हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड लेफ्ट टू द मीडियन प्लेन होता है। लेफ्ट टू द मीडियन प्लेन हमारा ये होता है। इसके अलावा अगर मैं हार्ट के साइज और इसके वेट की बात करूँ, द हार्ट मेजर्स अबाउट 12 x 9 cm, और इसका वेट जो है हमारा 300 ग्राम होता है मेल्स में और 250 ग्राम होता है हमारा फीमेल्स में। अब ये तो रही इसकी इंट्रोडक्शन की बात, अब हम क्या देखेंगे, इसका एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स को समझने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें। इस डायग्राम से हम समझते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स को। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हार्ट में हमारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारा राइट एट्रियम होता है ना, हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, ये क्या हमारा लेफ्ट एट्रियम है। इसके अलावा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और हमारा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। तो ये हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। और अगर मैं एट्रिया की बात करूँ, तो ये जो हमारी एट्रिया होती है ये हमारी अबव एंड बिहाइंड द, ये हमारे नीचे हमारे वेंट्रिकल्स है, ऊपर हमारे क्या है, एट्रियम है। तो एट्रिया जो है हमारी लाई करती है अबव एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल्स, और इसको सेपरेट, ये जो एट्रिया होती है ये सेपरेटेड होती है इन वेंट्रिकल से किसके थ्रू, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के थ्रू। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव को हम कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। द एट्रिया, और दो जो एट्रिया होते हैं आपस में, राइट और लेफ्ट एट्रिया, वो सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर एट्रियल ग्रूव। तो कुछ ग्रूव्स इस हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स में हमें कुछ देखने को मिलते हैं। तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, या फिर जिसे हम कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। और दो एट्रिया को जो सेपरेट कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट एट्रिया को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव, और दो वेंट्रिकल को जो सेपरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये बात याद रखनी है। इसके अलावा हार्ट के पास हमारा क्या होते हैं, हमारे पास एपेक्स होता है, बेस होता है, सरफेस होते हैं, और कुछ बॉर्डर्स होते हैं। तो ये समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। तो हम इस वाले डायग्राम से समझेंगे। तो इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे इस हार्ट के पास क्या क्या है। हमारा इसका एक एपेक्स है, इसके अलावा बेस, बेस क्या होता है, इसका
पोस्टीरियर सरफेस जो है, वो जो पोस्टीरियर सरफेस होता है हाथ का, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये जो सरफेस है, ये वैसे इसका स्टर्नो पोस्टल सरफेस दिखाया हुआ है, यानी इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस जो होगा उसको हम बेस ऑफ दी हार्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसके पास तीन बॉर्डर्स होते हैं। एक तो हमारा इसका क्या होता है, अपर बॉर्डर होता है। ये क्या है, इसका अपर बॉर्डर देखने को मिल रहा है, ये क्या हमारा अपर बॉर्डर है। इसके तीन बॉर्डर कौन कौन से हैं, एक तो इसका अपर बॉर्डर होता है, एक हमारा इसका क्या होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है। ये जो है इसका क्या है, इंफीरियर बॉर्डर है। इसके अलावा हमारा ये क्या है, इसका राइट बॉर्डर होता है, ये क्या है, राइट बॉर्डर है। और एक क्या होता है हमारा, लेफ्ट बॉर्डर होता है। तो इसके चार बॉर्डर होते हैं टोटल। एक है हमारा अपर बॉर्डर, इंफीरियर में हमारा ये देखने को मिला इंफीरियर बॉर्डर, इसके अलावा एक राइट बॉर्डर है, और क्या है हमारा, लेफ्ट बॉर्डर है। वहीं इसकी सरफेसेस की बात करें तो तीन सरफेस होते हैं, चार बॉर्डर हैं, तीन सरफेस हैं। तो तीन सरफेस हमारे कौन कौन से हैं, तो एक तो मैंने अभी अभी बताया, ये जो सरफेस आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है, इसकी स्टर्नो कोस्टल सरफेस या फिर इसकी एंटीरियर सरफेस। इसके अलावा इसकी एक इंफीरियर सरफेस होती है, नीचे क्या होती है, इसकी एक इंफीरियर सरफेस होती है। इसके अलावा इसके पोस्टीरियर में हमारा क्या होता है, इसके अलावा इंटीरियर सरफेस हो गई, इंफीरियर सरफेस हो गई, इसके अलावा क्या है हमारी, एक लेफ्ट लेटरल सरफेस होती है। क्या होती है, लेफ्ट लेटरल सरफेस होती है। क्या है यह है, इसकी लेफ्ट लेटरल सरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये क्या है, लेफ्ट लेटरल सरफेस है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो हार्ट है इसके पास एपेक्स है, बेस है, तीन सरफेसेस हैं, और हमारे क्या है, चार बॉर्डर होते हैं। तो एपेक्स तो हमारा ये हो गया, बेस इसका क्या है, पोस्टीरियर सरफेस जो है, जो कि इसके बैकवर्ड पीछे होता है, डायरेक्टेड होता है बैकवर्ड, तो वो इसका बेस कहलाता है। और तीन सरफेसेस है, कौन सा, कौन कौन सी तीन सरफेस है, एक तो इसकी इंटीरियर सरफेस है, एक इसकी इंफीरियर में सरफेस है, और एक इसकी क्या होती है, लेफ्ट सरफेस होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके हमारे चार बॉर्डर्स होते हैं। तो एक तो अपर बॉर्डर है, एक इंफीरियर बॉर्डर है, एक राइट बॉर्डर है, और एक क्या है हमारा, इसका लेफ्ट बॉर्डर होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसके ग्रूव्स और सल्काई की बात करूं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो एट्रिया होते हैं वो वेंट्रिकल से सेपरेटेड होते हैं थ्रू द सर्कुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। तो ये जो कोरोनरी सल्कस होता है, ये हमारा डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एक तो होता है इंटीरियर, एक होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। एक इसका होता है इंटीरियर पार्ट, एक होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो जो इसका एंटीरियर वाला पार्ट होता है, उसके हमारे क्या होते हैं, दो हाफ होते हैं। तो इधर जो कोरोनरी सल्कस का इधर एंटीरियर पार्ट होगा, और अभी मैं दूसरे डायग्राम से आपको इसका पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर पार्ट भी दिखाऊंगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो दो एट्रिया को वेंट्रिकल से जो सेपरेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या फिर कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। और ये डिवाइडेड होता है, ये सर्कुलर होता है, ये डिवाइडेड होता है हमारा एंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट। तो ये तो इसके एंटीरियर वाली सरफेस है, तो यहाँ पर तो इसका एंटीरियर पार्ट देखने को मिलेगा। एक दूसरे डायग्राम से मैं आपको इसका पोस्टीरियर पार्ट भी दिखाऊंगा। तो जो इसका इंटीरियर वाला पार्ट होता है, पहले वो अच्छे से देख लेते हैं। तो जो इसका इंटीरियर वाला पार्ट होता है, वो हमारा राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होता है। इंटीरियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये तो इसका राइट एंटीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस। तो ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका क्या है, राइट एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी सल्कस है। और ये जो इसका राइट हाफ है, ये हमारा कैसा है, ओब्लीग है। कैसा है, ये हमारा ओब्लीग है, और ये क्या कर रहा है, राइट ऑरिकल को हमारे राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। ये क्या करता है, राइट ऑरिकल, यहाँ क्या होगा, राइट ऑरिकल होगा, और ये क्या करेगा, हमारे राइट ऑरिकल को, यहाँ राइट ऑरिकल होगा, और ये यहाँ हमारा राइट वेंट्रिकल होगा। तो ये राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से हमारा सेपरेट करने का काम करता है। और ये जो राइट हाफ होता है इस कोरोनरी सल्कस का, एंटीरियर, इसके एंटीरियर पार्ट का, कोरोनरी सल्कस के एंटीरियर पार्ट के दो हाफ है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। तो इसका जो राइट वाला जो हाफ है, ये हमारा ओब्लिग है, और ये हमारा राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करा। इसके अलावा ये हमारा लॉज करता है राइट कोरोनरी आर्टरी को, इधर ही से हमारी क्या जा रही होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी। वहीं जो इसका लेफ्ट हाफ होता है, तो यहाँ क्या है, इसका लेफ्ट हाफ देखने को मिल रहा है। ये वाला क्या है, लेफ्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस,
ये वाला जो पार्ट है ये हमारा स्मॉल होता है, और ये क्या करता है, हमारा लेफ्ट ऑरिकल को हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है सेपरेट करने का काम करता है। और ये क्या लॉज करता है, ये सर्कम्फ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को लॉज करता है। तो ये तो, और इसका जो ये जो कोरोनरी सल्कस है, इस कोरोनरी सल्कस, ये जो कोरोनरी सल्कस होता है ये एंटीरियरली ओवरलैप्ड होता है, ये एंटीरियरली ओवरलैप्ड होता है, एंटीरियरली ओवरलैप्ड होता है बाय द असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो ये कोरोनरी आर्टरी जो है हमारी ओवरलैप्ड होती है, कोरोनरी सल्कस जो है हमारा, ये जो हमारा कोरोनरी सल्कस है ये इंटीरियर में हमारी ओवरलैप्ड होती है बाय द असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ये भी आपको बात याद रखनी है। अब वही मैंने इसका इंटीरियर, कोरोनरी सल्कस का इंटीरियर पार्ट तो दिखा दिया, अब मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट दिखाता हूँ। तो पोस्टीरियर वाला पार्ट हम इस वाले डायग्राम से देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है इस वाले डायग्राम से देखेंगे, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, ये यही हमारा बेस ऑफ द हार्ट होता है। तो इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसका पोस्टीरियर, ये जो है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वही हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ इसकी ग्रूव से सल्काई के बारे में देख रहे हो। तो पहले हमने क्या देखा, पहला हमारा है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या फिर कोरोनरी सल्कस, जो क्या कर रहा है, एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम कर रहा है। इसके हमारे दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। और जो एंटीरियर पार्ट है वो हमारा राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होता है। राइट हाफ हमारा ओब्लिक होता है, राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, और ये हमारा लॉज करता है राइट कोरोनरी आर्टरी को। वही जो एंटीरियर एंटीरियर कोरो एंटीरियर जो पार्ट है कोरोनरी सल्कस का, उसका जो लेफ्ट हाफ है वो हमारा स्मॉल होता है, और ये लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम करता है, और ये लॉज करता है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और ये जो कोरोनरी सल्कस है ये हमारा ओवरलैप्ड होता है एंटीरियरली बाय द असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। और अब अगर मैं दूसरे और भी ग्रूव मौजूद होते हैं, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या फिर जिसे हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद और हमारा क्या प्रेजेंट होता है इसके एक्सटर्नल फीचर्स में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव भी प्रेजेंट होता है। होता क्या है कि जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है जो हमारा दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, इसके ये भी हमारा दो होता है, एक एंटीरियर में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और एक होता है हमारा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो जो हमारा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो हमारा कहाँ पर होता है, तो हमारा नियर द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट होता है, वो हमारा नियर द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट होता है। वहीं जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है वो हमारा डायफ्रागमेटिक या फिर इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट में होता है। तो इंफीरियर सरफेस हमारी डायफ्राम पे होगी ना, तो इसीलिए हम इसे डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं इंफीरियर सरफेस को। तो जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट है वहां पर हमें पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इसकी इंफीरियर सरफेस है, और इसी इंफीरियर, ये क्या हमारी इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट है। तो यहाँ पर जो आपको एक ग्रूव देखने को मिल रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। वहीं अगर मैं इसके एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस को अगर आपको मैं दिखाऊं, तो इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, जो कि हमारे किसके पास है, लेफ्ट मार्जिन के पास है ना, ये हमारे नियर, यहाँ पर क्या है हमारी लेफ्ट मार्जिन है। तो लेफ्ट मार्जिन के नियर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये बात हो गई इसके एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की। अब अगर मैं इसके एपेक्स के बारे में थोड़ा बताऊं, तो एपेक्स ऑफ द हार्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं, ये जो एपेक्स है इसके बारे में, तो ये जो एपेक्स ऑफ द हार्ट है ये हमारा एंटायरली इसको कौन फॉर्म करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या होता है, इसके एपेक्स में हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और ये हमारा डायरेक्टेड कैसे होता है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट, एंड इट इज ओवरलैप। और ये जो हमारा एपेक्स है इसको ओवरलैप एंटीरियर में क्या कौन करेगी, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग जो है इसे ओवरलैप करती है। वहीं जो ये एपेक्स है ये हमारा सिचुएटेड कहाँ होता है, ये जो एपेक्स है हार्ट का ये हमारा सिचुएटेड होता है इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर लेटरल टू द मिड एक्सटर्नल लाइन। तो ये जो हमारा एपेक्स है ये हमारा बेसिकली सिचुएटेड होता है लेफ्ट
इंटरकोस्टल स्पेस में 9 सेंटीमीटर लेटरल टू द मिड एक्सटर्नल लाइन। वहीं अगर मैं बेस ऑफ द हार्ट की बात करूँ तो बेस ऑफ द हार्ट हम इससे देखेंगे, इस वाले डायग्राम से। तो ये वाला डायग्राम से आपको मैंने बताया, ये पोस्टीरियर सरफेस जो है हार्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ दी हार्ट बोलते हैं। तो ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है हार्ट का, तो ये यही क्या है हमारा, बेस ऑफ दी हार्ट कहलाता है। तो बेस ऑफ दी हार्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेस ऑफ दी हार्ट क्या है, बेसिकली इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। इट इज फॉर्म्ड बाय, ये किससे फॉर्म होता है, देखो एपेक्स ऑफ द हार्ट को तो लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म कर रहा है, बेस ऑफ द हार्ट को फॉर्म करता है मेनली, मेनली जो है इसे लेफ्ट एट्रियम फॉर्म करता है, बाकी स्मॉल पार्ट हमारा राइट एट्रियम का भी होता है। अगर मैं इसकी रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशन में हमारी चार पल्मोनरी वेन जो है हमारी लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है, ये देखने को मिल रहा होगा। ये तो हमारी दो राइट पल्मोनरी वेन होती है, और ये जो आपको दो देखने को मिल रही होगी, दो हमारी लेफ्ट पल्मोनरी वेन है जो कि इसके रिलेशन में इस पोस्टीरियर है। ये हमारा इसका क्या है, बेस ऑफ द हार्ट है, पोस्टीरियर सरफेस है। इसके रिलेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको चार पल्मोनरी वेन देखने को मिल रही है ना, दो हमारी राइट में है, दो हमारी लेफ्ट में है। तो ये दो, ये टोटल फोर पल्मोनरी वेन ये हमारी कहाँ पर ओपन हो रही है, ये हमारी लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही है। इसके अलावा इसके रिलेशन में आपको और क्या देखने को मिल रहा है, ये सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा जो कि हमारी राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। तो मैंने क्या बताया भाई, बेस ऑफ दी हार्ट जो है इसकी पोस्टीरियर सरफेस को कहते हैं, और ये जो बेस ऑफ दी हार्ट है इसको कौन फॉर्म करता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम तो मेनली फॉर्म करता है, और स्मॉल पार्ट राइट एट्रियम का भी फॉर्म करता है। और ये जो बेस ऑफ दी हार्ट है इसके रिलेशन में मैंने आपको बताया, हमारी फोर पल्मोनरी वेन जो कि हमारी लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही है, इसके अलावा हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा भी आपको देखने को मिल रही है, जो कि इस बेस ऑफ दी हार्ट के रिलेशन में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी बॉर्डर्स के बारे में आपको बताऊं तो इसी इसी वाले डायग्राम से देखते हैं इसके बॉर्डर्स को, इस वाले डायग्राम से इसके बॉर्डर्स वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी बॉर्डर्स की बात करें तो मैंने बताया इसके बॉर्डर्स में इसकी चार बॉर्डर्स होती है, एक अपर बॉर्डर होती है, राइट बॉर्डर होती है, इंफीरियर बॉर्डर होती है, और हमारी क्या होती है, लेफ्ट बॉर्डर होती है। तो इसकी जो अपर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर हमारी क्या होती है, स्लाइटली ओब्लीक होती है, और ये जो इसकी जो अपर बॉर्डर है, ये जो हमारी स्लाइटली ओब्लीक होती है, ये फॉर्म्ड क्या, किससे फॉर्म होती है, तो दोनों के दोनों एट्रिया से, फॉर्म्ड बाय द टू एट्रिया, बाकी चीफली जो है लेफ्ट एट्रियम फॉर्म करता है। इसकी अगर मैं राइट बॉर्डर की बात करूंगा तो देखो इसकी अपर बॉर्डर तो ओब्लिक थी, वहीं अगर आप इसकी राइट बॉर्डर को देखोगे तो ये स्ट्रेट है, वर्टिकल है। ये जो इसकी राइट बॉर्डर है ये हमारी क्या है, वर्टिकल है, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रही है इसकी राइट बॉर्डर, सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। तो सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा तक इसकी राइट बॉर्डर जो है एक्सटेंड करता है, और ये राइट बॉर्डर जो है इसका वर्टिकल होता है। वहीं अगर मैं इंफीरियर बॉर्डर की बात करूंगा, ये जो है ये क्या है, इसका इंफीरियर बॉर्डर है। तो इसका जो इंफीरियर बॉर्डर है ये हमारा नियरली हॉरिजॉन्टल है, ये इंफीरियर बॉर्डर आपको नियरली हॉरिजॉन्टल देखने को मिल रहा होगा। राइट बॉर्डर वर्टिकल होता है, वहीं इंफीरियर बॉर्डर आपको नियरली हॉरिजॉन्टल होता है। और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये हमारी क्या इंफीरियर वेना केवा है, यहाँ क्या हमारा एपेक्स है। तो ये हमारी इंफीरियर वेना केवा से लेकर एपेक्स तक जो है ये हमारी क्या है, इंफीरियर बॉर्डर है हार्ट का। वहीं अगर मैं इसकी लेफ्ट बॉर्डर की बात करूं, ये जो इसकी लेफ्ट बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर भी हमारी कैसी होती है, ओब्लीग और कर्व्ड होती है, देखने को मिल रहा है थोड़ी ओब्लीग है और कर्व्ड है। और ये जो इसकी लेफ्ट बॉर्डर है ये क्या करती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ये जो हमारी इसको जो फॉर्म कर रही है, ये जो हमारी लेफ्ट बॉर्डर है इसको बेसिकली क्या फॉर्म कर रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हमारी लेफ्ट बॉर्डर है इसको इसको फॉर्म कर रही है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। तो ये यहाँ क्या होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और हमारा ऊपर क्या है, हमारा लेफ्ट एट्रियम है। तो ये जो पूरा जो ये इसका जो लेफ्ट बॉर्डर है इसको कौन फॉर्म कर रहा है, हमारा फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एट्रियम। और ये जो इसकी लेफ्ट बॉर्डर
बॉर्डर है ये सेपरेट करती है एंटीरियर एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ दी हार्ट को। तो मैंने क्या बताया भाई, जो ये इसकी लेफ्ट बॉर्डर है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारी कैसी होती है, ओब्लीग होती है और कर्व्ड होती है। इसको फॉर्म कौन करता है, तो ये यहाँ लेफ्ट बॉर्डर है तो लेफ्ट में हमारे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल है और हमारी लेफ्ट एट्रियम ये फॉर्म करता है, और ये हमारा क्या करता है, सेपरेट करता है एंटीरियर सरफेस को लेफ्ट सरफेस से। तो हार्ट के एंटीरियर सरफेस को लेफ्ट सरफेस से सेपरेट करने का काम हमारी इसकी लेफ्ट बॉर्डर करती है। तो ये तो मैंने आपको इसकी चार बॉर्डर्स के बारे में बताया। अगर मैं आप इसकी सरफेस के बारे में बताऊं तो बेसिकली हमारी तीन सरफेस के बारे में मैं बताता हूं। एक तो आपको ये एंटीरियर में देखने को मिल ही रहा है, ये क्या है, इसकी स्टर्नो कोस्टल सरफेस या फिर एंटीरियर सरफेस। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेनली इसे कौन फॉर्म करेगा, इसकी स्टर्नो कोस्टल सर्फेस या फिर एंटीरियर सर्फेस जो है मेनली फॉर्म बाय द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। तो इसको मेनली तो हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल फॉर्म करती है, और पार्टली जो है इसको फॉर्म करती है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। एंड मोस्ट ऑफ द इसकी जो मोस्ट ऑफ द स्टर्नो कोस्टल सर्फेस जो है हमारी कवर्ड होती है बाय द लंग्स, बट अ पार्ट ऑफ इट, बट इसका कुछ पार्ट जो है जो कार्डियक नॉच के बिहाइंड सिचुएटेड होता है वो हमारा अनकवर्ड होता है, और उस अनकवर्ड एरिया जो है वो डल होता है ऑन परकशन। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस, तो इसको हम एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस भी बोलते हैं। तो सुपर एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टर्नो कोस्टल सर्फेस इज कवर्ड बाय द लंग्स, बट अ पार्ट ऑफ इट दैट लाइज बिहाइंड द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग इज अनकवर्ड, एंड द अनकवर्ड एरिया इज डल ऑन परकशन, एंड दिस एरिया वो जो एरिया वो क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस। वहीं मैं अगर इसकी इंफीरियर सरफेस की बात करूं या फिर डायफ्रामेटिक सरफेस की बात करूं, तो ये हमारी रेस्ट कहाँ करती है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डाय, इसके बारे में आपको सिर्फ तीन बातें याद रखनी, इसकी जो इंफीरियर सरफेस होगी वो हमारी कहाँ पर रेस्ट करेगी, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पे हमारी ये रेस्ट करती है, इसीलिए इसका नाम भी, इस इंफीरियर सर्फेस को हम डायफ्रामेटिक सर्फेस भी बोल देते हैं। वहीं लेफ्ट टू थर्ड, इसका जो लेफ्ट टू थर्ड जो है इस इंफीरियर सरफेस का कौन फॉर्म करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट वन थर्ड इसका फॉर्म करता है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल जो है इंफीरियर सरफेस को फॉर्म करते हैं, टू थर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करता है, राइट वन थर्ड राइट वेंट्रिकल फॉर्म करता है। वहीं अगर मैं इसकी लेफ्ट सर्फेस की अगर मैं बात करूं, तो लेफ्ट सर्फेस इज फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी लेफ्ट सरफेस, ये जो इसकी लेफ्ट सरफेस आपको देखने को मिल रही है, तो लेफ्ट सरफेस इज मोस्टली जो है इसकी लेफ्ट सरफेस हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करती है, एंड एट द अपर एंड में हमारा थोड़ा बहुत पोर्शन जो है लेफ्ट ऑरिकल का भी होता है। इट इज इन इट्स अपर सरफेस, इसके जो अपर सरफेस में ये हमारी क्रॉस होती है बाय द कोरोनरी सल्कस, ये तो मैंने बताया ही है कि इसके ऊपर हमारे से क्या जा रही होती है, कोरोनरी सल्कस जा रही होती है, और ये हमारी रिलेटेड होती है, इसकी जो लेफ्ट सरफेस है वो हमारी रिलेटेड होती है तीन चीज़ों, हमारी बेसिकली दो चीज़ें याद रखना, ये हमारी जो लेफ्ट सरफेस है वो रिलेटेड होती है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल से, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अभी जो हमने इस पूरे डायग्राम में जो देखा, एक बार हम इसे आपको थ्योरेटिकली भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें, द ह्यूमन हार्ट हैज फोर चैम्बर्स, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स, द एट्रिया लाई अबव एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द हार्ट, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय द एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव, जिसे हम कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं, द एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर एट्रियल ग्रूव, द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, द हार्ट हैज द एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट एंड अनबेस पोस्टीरियर सर्फेस, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड बैकवर्ड, द थ्री सर्फेसिस एंटीरियर और स्टर्नो कोस्टल सर्फेस, इंफीरियर एंड द लेफ्ट लेटरल सर्फेस,
द बॉर्डर्स आर अपर इंटीरियर राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर। ग्रूव्स और सल्काई की अगर हम बात करें, द एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय अ सर्कुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर, या फिर जिसे हम कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं, विच इज डिवाइडेड इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। द एंटीरियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हाफ। द राइट हाफ इज ओब्लीक बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल एंड लॉज इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। वहीं लेफ्ट हाफ इज अ स्मॉल बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लॉज इज द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। द कोरोनरी सल्कस इज ओवरलैप्ड इंटीरियरली बाय द असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव बताया ना, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव नियर द लेफ्ट मार्जिन, दिखाया भी था डायग्राम में। द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव इज सिचुएटेड ऑन द डायफ्रामेटिक या फिर इंफीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट कहते हैं। तो वहां पर ये हमारा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव देखने को मिलता है। सो अब अगर हम एपेक्स ऑफ द हार्ट की बात करें, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड एंटायरली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। इट इज ओवरलैप्ड बाय द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग एंड इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर लेटरल टू द मिड एक्सटर्नल लाइन। द बेस ऑफ द हार्ट की बात करें, द बेस ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स पोस्टीरियर सरफेस। इट इज फॉर्म्ड मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड बाय स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। इन रिलेशन टू द बेस देयर इज अ ओपनिंग्स ऑफ द फोर पल्मोनरी वेन, मैंने दिखाया भी था, विच इज ओपन इन टू द लेफ्ट एट्रियम। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा विच इज ओपन इन टू द राइट एट्रियम। द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट की बात करें, द अपर बॉर्डर इज स्लाइटली ओब्लीक एंड फॉर्म्ड बाय द टू एट्रिया चीफली किससे, तो लेफ्ट एट्रियम से। राइट बॉर्डर दिखाया था वर्टिकल एंड फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू द इंफीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर बॉर्डर नियरली हॉरिजॉन्टल एंड फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंड इंफीरियर वेना केवा टू एपेक्स तक था। लेफ्ट बॉर्डर ओब्ली एंड कर्व फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम सेपरेट्स द इंटीरियर एंड लेफ्ट सर्फेस ऑफ द हार्ट। सो अब अगर हम सर्फेसिस ऑफ द हार्ट की बात करें, तो हमारा क्या है, एंटीरियर और एक्सटर्नो कोस्टल सर्फेस है फॉर्म्ड मेनली बाय द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नो कोस्टल सर्फेस इज कवर्ड बाय द लंग बट अ पार्ट ऑफ इट दैट लाइज बिहाइंड द कार्डियक नॉच एंड कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग, एंड नहीं है ये ऑफ होगा, तो इसे भी करेक्ट कर लेना, एंड की जगह यहाँ ऑफ होगा। सो द कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग इज अनकवर्ड, द अनकवर्ड एरिया इज डल ऑन पर्कशन एंड दिस एरिया, वो एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस। तो ये तो हुई इसकी एंटीरियर या फिर स्टर्नो कोस्टल सर्फेस की बात। अब अगर हम इसकी इंफीरियर या फिर डायफ्रामेटिक सर्फेस की बात करें, तो उसमें हमें इसे 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। द ये कहाँ पर रेस्ट करता है, तो इसके नाम से भी पता चला, इंफीरियर को हम डायफ्रामेटिक सर्फेस भी बोलते हैं। तो रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। लेफ्ट 2/3 इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट 1/3 इज फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। वहीं अगर हम इसकी लेफ्ट सर्फेस की बात करें, formed mostly by the left ventricle at the upper end by the left auricle. In its upper surface, the surface is crossed by the coronary sulcus. It is related to the left phrenic nerve and pericardiophrenic vessels. एंड लास्ट हमारी एक और टर्म होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रक्स ऑफ द हार्ट। अब ये क्रक्स ऑफ द हार्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से एक मीटिंग पॉइंट होता है। मैं बताता हूँ किस चीज का मीटिंग पॉइंट होता है। तो होता क्या है, जो इंटर एट्रियल ग्रूव है और हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है, और इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव हमारे दो थे, एक था इंटीरियर, एक था हमारा क्या, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो एंटीरियर में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव, तो इंटर एट्रियल एट्रियो वेंट्रिकुलर,
और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के मीटिंग पॉइंट को, जहां पर ये तीनों आकर एक जगह मीट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रक्स ऑफ दी हार्ट बोलते हैं। तो क्रक्स ऑफ दी हार्ट क्या है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटर एट्रियल, एट्रियो वेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रक्स ऑफ दी हार्ट बोल रहे हैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी एक्सटर्नल फीचर्स की बात हुई। अब हम इसका क्या देखेंगे, राइट एट्रियम देखें। अब हम हार्ट के चारों चैम्बर्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, राइट एट्रियम देखेंगे। सो अगर हम राइट एट्रियम की बात करें, द राइट एट्रियम इज अ राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, इट रिसीव्स वीनस ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, पंप इट टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड ओपनिंग। इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर, बताया ये क्या फॉर्म करता है राइट एट्रियम, इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर, पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, स्टर्नो कोस्टल सरफेस एंड बेस ऑफ द हार्ट। और अब इसका हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। तो ये तो इसके थोड़े बेसिक तीन पॉइंट्स हो गए हमारे राइट एट्रियम के, क्या क्या है, राइट एट्रियम इज द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, इट रिसीव्स द वीनस ब्लड फ्रॉम होल ऑफ द बॉडी एंड पंप इट टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में पंप करेगा किसके थ्रू, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, या फिर हम बोलते हैं इसे ट्राइकस्पिड ओपनिंग। इसको गार्ड कौन करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व गार्ड करती है। और ये क्या फॉर्म करता है, हमारा राइट बॉर्डर फॉर्म करेगा, अपर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, स्टर्नो कोस्टल सर्फेस एंड बेस ऑफ दी हार्ट। अब हम इसका क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे और इसको भी हम एक डायग्राम से समझेंगे। सो हम इस वाले डायग्राम से समझेंगे राइट एट्रियम को। तो इस वाले डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स हम देख रहे हैं, तो एक्सटर्नली क्या क्या, वैसे ये तो इसका इंटीरियर डायग्राम दिखा रहा है, ये तो इसका अंदर से, ये भी हम देखेंगे। बाकी पहले अगर मैं एक्सटर्नली बताऊं राइट एट्रियम में, तो पहले तो हमें क्या दिखेगा कि जो सुपीरियर वेना केवा, ये क्या सुपीरियर वेना केवा, ये क्या इंफीरियर वेना केवा। तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स में पहला पॉइंट क्या होगा कि जो सुपीरियर वेना केवा है ये इस राइट एट्रियम के अपर एंड पे है ना, और जो इन्फीरियर वेना केवा है वो क्या है, इस राइट एट्रियम के लोअर एंड पे है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो अपर एंड है राइट एट्रियम का वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है लेफ्ट में और क्या फॉर्म करता है, राइट ऑरिकल। तो जो हमारा ये राइट एट्रियम का जो अपर एंड है वो हमारा थोड़ा इधर देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है लेफ्ट में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल बोलते हैं। तो राइट एट्रियम अपर एंड में प्रोलॉन्ग्ड होता है टू द लेफ्ट और क्या फॉर्म करता है, राइट ऑरिकल को फॉर्म करता है। इट कवर्स द रूट ऑफ द, और ये क्या करता है, इट कवर्स द रूट ऑफ द असेंडिंग अरोटा एंड पार्टली ओवरलैप द इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अब इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल क्या होता है वो हम देखेंगे जब मैं आपको राइट वेंट्रिकल बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको राइट वेंट्रिकल बताऊंगा वहां आपको समझ में आएगा। अभी इतना याद रखो कि जो हमारा राइट ऑरिकल है ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है रूट ऑफ द असेंडिंग अरोटा, क्या है हमारा असेंडिंग अरोटा का रूट है, और ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है किसको, तो ये ओवरलैप करता है हमारा इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल को, और ये हमारा ओवरलैप करता है इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल को अलोंग द राइट बॉर्डर। और ये जो इसकी राइट बॉर्डर है ये क्या है, इसकी सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा तक एक्सटेंड करती है राइट बॉर्डर, मैंने बताया था। तो जो इधर जो राइट बॉर्डर है वहां पर हमें राइट बॉर्डर के अलॉन्ग हमें क्या देखने को मिलता है, एक शैलो वर्टिकल ग्रूव, यहाँ पर कुछ हमें एक शैलो वर्टिकल ग्रूव देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनालिस। और ये जो सल्कस टर्मिनालिस है ये हमारी एक्सपास करती है फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू इंफीरियर वेना केवा, हमारी ये सल्कस टर्मिनालिस अलोंग द राइट बॉर्डर जो है पास करती है। और ये जो सल्कस टर्मिनालिस है ये प्रोड्यूस्ड किस वजह से हो रही है, तो ये शैलो वर्टिकल ग्रूव
जो कि जिसे हम बोल रहे हैं अलोंग द राइट बॉर्डर, जो हमें सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा पास कर रही है, ये शैलो वर्टिकल ग्रूव जिसे हम सल्कस टर्मिनालिस बोल रहे हैं, ये प्रोड्यूस्ड कैसे हो रही है? तो ये प्रोड्यूस्ड होती है बाय द इंटरनल मस्कुलर रिज। यहाँ पर क्या होती है हमारी इंटरनल मस्कुलर रिज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारी किस्ता, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ क्या है हमारी एक इंटरनल मस्कुलर रिज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनेलिस। तो ये जो क्रिस्टा टर्मिनेलिस है, जो कि इंटरनल मस्कुलर रिज है, ये ही प्रोड्यूस करती है इस शैलो वर्टिकल ग्रूव को। और इसी के अपर एंड पे, यानी कुछ यहाँ पर हमारा क्या सिचुएटेड होता है, साइनो एट्रियल नोड, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं एसए नोड, जो कि हमारा पेस मेकर ऑफ दी हार्ट होता है। और राइट एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव, ये तो मैंने वहां पर भी बताया था कि जो राइट एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव होता है वो सेपरेट करता है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से, ये तो मैंने बताया हुआ है। वहीं अगर मैं राइट एट्रियम की ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में एक तो आपको देखने को मिल रहा है ये राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में आपको ये डायग्राम में क्या क्या ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल रही है, एक तो ये सुपीरियर वेना केवा देखने को मिल रहा है, एक इंफीरियर वेना केवा देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ हमारा क्या देखने को मिल रहा है कोरोनरी साइनस, यहाँ क्या है कोरोनरी साइनस भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारी थीबेशियन वेन भी होती है, जिसे हम वीने कार्डिस मिनिमे भी बोलते हैं, इसके अलावा एंटीरियर कार्डियक वेन भी होती है, और समटाइम्स राइट मार्जिनल वेन भी होती है। तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज है राइट एट्रियम की। तो कौन कौन सी है, एक तो हमारी सुपीरियर वेना केवा, एक तो हमारी इंफीरियर वेना केवा, एक तो हमारी कोरोनरी साइनस, इसके अलावा हमारी क्या है थीबेशियन वेन, जिसे हम वीने कार्डिस मिनिमे भी बोलते हैं, एंटीरियर कार्डियक वेन, और हमारी समटाइम्स हमारी राइट मार्जिनल वेन भी होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये क्या है हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस, ठीक है, तो ये क्या हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस। यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से हमारा राइट, ये जो हमारा यहाँ यहाँ क्या होगा, इस ऑर्फिस के थ्रू हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से हमारा कहाँ पर पास होता है, राइट वेंट्रिकल में पास होता है। तो यहीं से हमारा ब्लड पासेस आउट ऑफ द राइट एट्रियम थ्रू द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, या फिर इसको हम ट्राइकस्पिड ऑर्फिसेस भी बोलते हैं, और यहीं से ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और इस ऑर्फिसेस को जो गार्ड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक दरवाजा टाइप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके तीन कस्प होते हैं। और ये क्या, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होते क्यों है, ये हमारे यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करते हैं, मतलब ये हमारे प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, तो ये हमारे प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड को। तो ये तो इसकी हुई एक्सटर्नल फीचर्स की बात, अब इसके अंदर इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं, इंटरनल फीचर्स या फिर इसे हम फंक्शनल फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हम राइट एट्रियम की इंटरनल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो इंटरनल में इंटीरियरली जो ये हमारा राइट एट्रियम होता है, ये हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, जिसे हम साइनस वेनरम भी बोलते हैं, साइनस वेनरम भी बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारा रफ एंटीरियर पार्ट, जिसे हम पेक्टिनेट पार्ट भी बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम। तो एक एक करके बात करते हैं, तो इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या हमने खोल दिया, अब अंदर से हम देख रहे हैं राइट एट्रियम को। तो यहाँ पर इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ये यहाँ पर ये जो ये क्या होगा इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये क्या होगा इसका इंटीरियर पार्ट। तो अभी मैं आपको इसके पोस्टीरियर पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इस राइट एट्रियम का, जिसे हम साइनस वेनरम बोल रहे हैं, ये साइनस वेनरम, ये पोस्टीरियर पार्ट, ये हमारा कैसा स्मूथ होता है, कैसा होता है स्मूथ होता है, और इसी स्मूथ वाले पार्ट में, ये जो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है, यहीं पर हमारा सुपीरियर वेना केवा
अपर एंड में ओपन हो रहा है, और इनफीरियर वेना कैवा इसका लोअर एंड पर जो है ओपन हो रहा है। और ये जो इन्फीरियर वेना केवा है ना, इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग, इसकी जो ओपनिंग है उसको गार्ड करती है यूस्टेचियन वॉल्व। तो ये याद रखना, जो हमारी क्या है सुपीरियर वेना केवा है ओपन हो रहा अपर एंड में, इन्फीरियर वेना केवा है ओपन हो रहा लोअर एंड में, और जो ओपनिंग है उसको कौन गार्ड कर रहा है, ये जो ओपनिंग हो रही है इसको कौन गार्ड कर रहा है, हमारा यूस्टेचियन वॉल्व। इसके अलावा इसी पोस्टीरियर सरफेस में हमें क्या देखने को मिलता है, कोरोनरी साइनस। इसी पोस्टीरियर सरफेस में कोरोनरी साइनस की भी ओपनिंग हो रही है, तो कोरोनरी साइनस की भी जो ओपनिंग है वो हमारी इसी पोस्टीरियर सरफेस में होती है। अब ये देखो इस कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ये क्या कोरोनरी साइनस, तो इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, किसके बीच में हो रही है, तो इसकी जो ओपनिंग है हमारी जो इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग यहाँ हो रही है ना, और इसके अलावा इंफीरियर वेना केवा के अलावा हमारी इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, इसके अलावा यहाँ क्या हमारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिसिस की ओपनिंग हो रही है। तो इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिसिस के बीच में, हमारे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, ये जो इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है और जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिसिस की ओपनिंग, यहाँ राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिसिस की ओपनिंग है, यहाँ इंफीरियर वेना केवा के की ओपनिंग हो रही है, इन दोनों के बीच में हमारी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है। इन दोनों के बीच में हमारी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है, और इस कोरोनरी साइनस को हमारा कौन गार्ड करता है, थिबेशियन वॉल्व, कौन गार्ड करता है, थिबेशियन वॉल्व। अब अगर मैं और बात करूं तो इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ फ्लोर, अब एक और चीज होती है हमारी, एक होती है हमारी इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ फ्लोअर। अब ये इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ फ्लोअर हमारी क्या चीज है, तो हमारा होता क्या है कि जो लोअर, जो इंटर इंटर इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ फ्लोअर है, तो होता क्या है, जो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है ना, यहाँ सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, तो सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है उसके बिलो में हमें एक स्मॉल प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर। इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर कुछ नहीं है, इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन बिलो द सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग। अब ये तो रही इसके स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट की बात, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, साइनस वेनरम भी जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके रफ एंटीरियर, ये क्या है इसका रफ एंटीरियर पार्ट, रफ एंटीरियर पार्ट या फिर जिसे मैं पेक्टिनेट पार्ट भी बोलता हूँ, इसकी बात करूं तो इधर आपको क्या देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर पेक्टिनिटी। मस्कुलर पेक्टिनिटी क्या है, ये क्या हमारे ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज है जो कि इसके एंटीरियर पार्ट में मौजूद होते हैं, और यही इसको क्या बनाते हैं, रफ बनाते हैं। और ये हमारे जो ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज, मस्कुलर पेक्टिनिटी हैं, ये हमारे कहाँ से अराइज करते हैं, तो ये हमारे अराइज करते हैं इसी क्रिस्टा टर्मिनालिस से। तो क्रिस्टा टर्मिनालिस से ही हमारे ये मस्कुलाय पेक्टिनिटी अराइज करते हैं, ये हमारे रन करते हैं फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड टूवर्ड्स द एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस गिविंग द अपीरियंस, और कैसा अपीरियंस देते हैं, तो टीथ ऑफ अ कॉम जैसा अपीरियंस देते हैं। वहीं अगर मैं इंटर एट्रियल सेप्टम की बात करूं, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ क्या है हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक फोसा ओवेलिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं, मैं एक और डायग्राम से दिखाऊंगा। तो इसी इंटर एट्रियल सेप्टम के पास हमें क्या देखने को मिलता है, फोसा ओवेलिस देखने को मिलता है। अब ये फोसा ओवेलिस क्या होता है, तो इट इज अ सूसर शेप्ड डिप्रेशन इन द लोअर पार्ट, इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर पार्ट में सूसर शेप्ड डिप्रेशन है जिसे हम क्या बोल रहे, फोसा ओवेलिस। और इसकी जो मार्जिन है, इसकी जो मार्जिन है उसको हम क्या बोलते हैं, एनलस ओवेलिस या फिर लिम्बस फोसा ओवेलिस। मैं आपको ये जो फोसा ओवेलिस है ना, एक दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। ये वाला डायग्राम है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारा फोसा ओवेलिस हमारा कहाँ होता है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ ये जो थोड़ा
सुसर शेप डिप्रेशन हमारा इंटरएट्रियल सिस्टम के लोअर पार्ट में सिचुएटेड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। और इस फोसा ओवैलिस की एक प्रोमिनेंट मार्जिन होती है, ये जो इसकी एक ये फोसा ओवैलिस है, इसकी जो ये प्रोमिनेंट मार्जिन आपको देखने को मिल रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनलस ओवैलिस। और एनलस ओवैलिस को हम लिम्बस फोसा ओवैलिस भी बोलते हैं। तो ये तो हमने पूरा डायग्राम से समझ लिया राइट एट्रियम को, अब इसको हम थोड़ा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। सो एक्सटर्नल फीचर्स, द चेंबर इज इलोंगेटेड वर्टिकली रिसीविंग सुपीरियर वेना कैवा एट द अपर एंड, इंफीरियर वेना कैवा एट द लोअर एंड, अपर एंड इज प्रोलॉन्ग टू द लेफ्ट टू फॉर्म द राइट ऑरिकल। बताया कि अपर एंड जो है इसका प्रोलॉन्ग हो जाता है टू द लेफ्ट टू फॉर्म द राइट ऑरिकल, एंड इट कवर्स द रूट ऑफ द असेंडिंग अरोटा एंड पार्टली ओवरलैप्स द इन्फंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द एट्रियम देयर इज अ शैलो वर्टिकल ग्रूव कॉल्ड द सल्कस टर्मिनालिस विच पासिस फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू इन्फीरियर वेना केवा एंड इट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटर मस्कुलर रिज कॉल्ड द क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड अपर पार्ट ऑफ द सल्कस कंटेन साइनो एट्रियल नोड और एस ए नोड विच एक्ट एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। एंड अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द राइट एट्रियम की अगर मैं बात करता हूँ, द सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, समटाइम राइट मार्जिनल वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन, वेने कार्डिस मिनिमे, या फिर जिसे मैं थिबेशियन वेन भी बोलता हूँ। द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसिस की बात करूँ, द ब्लड पासिस आउट ऑफ द राइट एट्रियम थ्रू द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस एंड गोज टू द राइट वेंट्रिकल। होता क्या है हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस के थ्रू, द ब्लड पासिस आउट ऑफ द राइट एट्रियम थ्रू द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस एंड गोज टू द राइट वेंट्रिकल। द ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस is guarded by the tricuspid wall which maintain the unidirectional flow of the blood. और क्या prevent करता है, back flow of the blood को prevent करता है। So अब अगर मैं इसके internal features की बात करूँ, so interior of the right atrium can be divided into three parts, smooth posterior part or called the sinus venarum. Superior vena cava opens at the upper end. इंफीरियर वेना केवा ओपन है द लोअर, मैंने सब दिखाया हुआ आपको। ओपनिंग इज गार्डेड बाय द यूस्टेचियन वॉल, द कोरोनरी साइनस ओपन बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर। डायग्राम में दिखाया था इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस के बीच में हमारा कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा था, और ओपनिंग इज गार्डेड बाय द वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस, जिसे थिबेशियन वॉल्व भी कहते हैं। इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन बिलो द सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग। तो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग में हमारा उसके लोअर बिलो में हमें क्या एक स्मॉल प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंफीरियर इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर। द रफ एंटीरियर पार्ट और पेक्टिनेट पार्ट की बात करें, प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज called the muscular pectinity. They arise from the crista terminalis and run forward and downward towards the atrioventricular orifice, giving the appearance of the teeth of a comb. Interatrial septum की बात करें, तो it presents a fossa ovalis, suture-shaped depression in the lower part. Annulus ovalis or limbus fossa ovalis is the prominent margin of the fossa ovalis. अब हम क्या देखेंगे राइट वेंट्रिकल के बारे में। सो इस राइट वेंट्रिकल को भी मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, उसके पूरे फीचर्स को, इसके इंट्रोडक्शन को, और पूरे पूरे राइट वेंट्रिकल को मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा। सो अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूँ, तो हम इसे इस वाले डायग्राम से समझेंगे, ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम से समझेंगे राइट वेंट्रिकल को। सो राइट वेंट्रिकल जो है, ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगुलर चैम्बर होता है। इसके पहले मैं तीन इंट्रोडक्शन के पॉइंट समझाता हूँ।
ये डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या हमारा पूरा राइट वेंट्रिकल है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये हमारा कैसा है, आपको देखने को मिल रहा होगा ये थोड़ा ट्राइंगुलर होता है। तो राइट वेंट्रिकल इज अ ट्राइंगुलर चेम्बर, ये क्या हमारा ट्राइंगुलर चेम्बर है, क्या हमारा ट्राइंगुलर चेम्बर है। और ये हमारा ब्लड को रिसीव करता है राइट एट्रियम से। राइट वेंट्रिकल हमारा क्या है, एक ट्राइंगुलर चेम्बर है जो कि रिसीव कर रहा है ब्लड कहाँ से, हमारा राइट एट्रियम से, किसके थ्रू। तो ये कर रहा है हमारा, ये जो आपको ट्राइकस्पिड वॉल दिख रहा है, ट्राइकस्पिड ऑर्फिसिस है जिसको, जहाँ हमारा क्या ट्राइकस्पिड वॉल जिसकी ओपनिंग को गार्ड करता है, ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे ये क्या कस्प, इसके तीन कस्प होते हैं इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। तो इसी के थ्रू हमारा राइट एट्रियम से जो है ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आता है। तो ये राइट वेंट्रिकल जो हमारा ब्लड को रिसीव कर रहा है इसी ऑर्फिसिस के थ्रू राइट एट्रियम से, और ये पंप करता है, यहाँ क्या आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये हमारा क्या करता है, पंप करता है ब्लड किसको, लंग्स को पंप करेगा, क्योंकि यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लंग्स में पंप करना पड़ेगा। तो ये राइट एट्रियम हमारा पंप करता है ब्लड को लंग्स में, लंग्स तक पहुंचाता है, कहां से, तो हमारी पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। यहां पर देखने को मिल रहा होगा यहां क्या है, वॉल्स ऑफ दी पल्मोनरी ट्रंक। तो यहां से ब्लड हमारा आया इस राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहां से जो है हमारा ब्लड कहां चला गया, यहां ये चला गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी ट्रंक में, जो कि फिर हमारा लंग्स तक ब्लड को पहुंचा देगा। इसके अलावा अगर मैं इस राइट वेंट्रिकल की बात करूं, जो कि एक ट्राइंगुलर चेंबर है, देखने में भी आपको मिल रहा होगा, ये हमारा किस किस से फॉर्म होता है, तो एक तो इसकी क्या होती है, इंफीरियर बॉर्डर, सुपीरियर वेना केवा से एपेक्स तक होती थी ना, तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक तो हमारा इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है ना, सुपीरियर वेना केवा से एपेक्स तक इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है, और हमारा टू थर्ड पार्ट तो इसका स्टर्नोकोस्टल सरफेस फॉर्म करते हैं, यानी एंटीरियर सरफेस, और वन थर्ड पार्ट जो है इसका इंफीरियर सरफेस फॉर्म करता है। तो अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूं तो इसके बेसिकली हमारे क्या होते हैं, इस राइट वेंट्रिकल के दो सरफेस होते हैं, एक तो एंटीरियर सरफेस होता है जिसे मैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस बोलता हूँ, और दूसरा हमारा क्या होता है, इसका इंटीरियर सरफेस होता है जिसे क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसकी क्या, हमारी एक तो इंफीरियर बॉर्डर है ना, ये इंफीरियर बॉर्डर भी देखने को मिल रहा है, तो ये फॉर्म कर रहा है इंफीरियर बॉर्डर, स्टर्नोकोस्टल सरफेस टू थर्ड पार्ट, और वन थर्ड पार्ट जो है इंफीरियर सरफेस फॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं एक्सटर्नली देखूंगा इस राइट वेंट्रिकल को, ये तो वैसे इंटरनल इंटीरियर पोर्शन दिखा रखा है ये पूरा राइट वेंट्रिकल का, बट अगर मैं इसको एक्सटर्नली देखूंगा इस राइट वेंट्रिकल को, तो एक्सटर्नली इसके मेरे को दो सरफेस देखने को मिलेंगे, एक तो इंटीरियर सरफेस देखने को मिलेगा स्टर्नोकोस्टल सरफेस, और एक इसका इंफीरियर, इंफीरियर सरफेस को मैं डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं, इंफीरियर सरफेस को हम डायफ्रामेटिक सरफेस भी तो बोलते हैं क्योंकि वो डायफ्राम पे होता है, तो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम पे रेस्ट करता है, तो इसीलिए तो इसके इंफीरियर सर्फेस को डायफ्रामेटिक सर्फेस बोलते हैं। तो इसके एक्सटर्नली हमें एंटीरियर सर्फेस या फिर जिसे स्टर्नोकोस्टल सर्फेस बोलते हैं वो देखने को मिलेगा, और एक इंफीरियर सर्फेस या फिर डायफ्रामेटिक सर्फेस देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ, मतलब इंटरनल, अब इंटीरियर की मैं बात करूँ जो कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर एक तो इनफ्लोइंग पार्ट देखने को मिलता है और एक आउटफ्लोइंग पार्ट देखने को मिलता है। अब ये इनफ्लोइंग पार्ट और आउटफ्लोइंग पार्ट क्या होता है कि अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है यहां से आएगा, यहां पर हमारे ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन होगी, और यहाँ राइट एट्रियम से हमारा यहाँ राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ जाएगा। तो यहाँ ब्लड आ रहा है तो इसको हम बोल देते हैं इनफ्लोइंग पार्ट, क्या बोलते हैं, इनफ्लोइंग पार्ट। और फिर यहाँ ब्लड आएगा, फिर ये हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से ये जो पल्मोनरी वॉल्स हैं यहाँ से हमारे ये ब्लड कहाँ चला चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगी है ना, तो यहाँ से ब्लड हमारा लीव करेगा, तो ये क्या होगा, हमारा आउटफ्लोइंग पार्ट। तो यहाँ से ब्लड आया तो ये हुआ इनफ्लोइंग पार्ट, फिर ये ब्लड हमारा यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा,
आउटफ्लोइंग पार्ट। तो एक हमारा इनफ्लोइंग पार्ट है। तो राइट वेंट्रिकल के इंटीरियर में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो इनफ्लोइंग पार्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारा यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल से ब्लड आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा इनफ्लोइंग पार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से ये ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका आउटफ्लोइंग पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एंटर, तो ये वाला पोर्शन राइट वेंट्रिकल का इनफ्लोइंग पार्ट है, और ये वाला जो है हमारा क्या है, यहाँ से जा रहा है ब्लड, तो ये क्या हमारा आउटफ्लोइंग पार्ट है। तो अगर मैं इनफ्लोइंग पार्ट की बात करता हूँ, तो इनफ्लोइंग पार्ट जो है, ये जो इनफ्लोइंग पार्ट है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल का कैसा होता है, रफ पार्ट होता है। रफ पार्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलर रिजिज वगैरह देखने को मिलती है। तो ये आपको देखने को भी डायग्राम में मिल रहा होगा कि ये जो इनफ्लोइंग पार्ट है, ये हमारा कैसा है, रफ पार्ट है। और रफ पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या है, मस्कुलर रिजिज है। मस्कुलर रिजिज, इन मस्कुलर रिजिज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाय कार्ने। क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाय कार्ने। वहीं जो इसका ये आउटफ्लोइंग पार्ट है, यहाँ जहाँ से ये ब्लड अब हमारा कहाँ जाएगा, तो ये जो आउटफ्लोइंग पार्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये कैसा होता है, स्मूथ होता है। आउटफ्लोइंग पार्ट कैसा, स्मूथ है। और ये जो आउटफ्लोइंग पार्ट है इनफंडिबुलम का, मतलब ये राइट वेंट्रिकल का, इसको मैं क्या बोल, इसको क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो जो आउटफ्लोइंग पार्ट है हमारा राइट वेंट्रिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो जो आउटफ्लोइंग पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो जो आउटफ्लोइंग पार्ट है वो स्मूथ होता है और उसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। वहीं जो इनफ्लोइंग पार्ट है वो कैसा होता है, रफ होता है। किसकी वजह से रफ होता है, तो ट्रेबिकुलाय कार्ने की वजह से रफ होता है। वहीं अगर मैं आउटफ्लोइंग पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आउटफ्लोइंग पार्ट स्मूथ है और इसे हम इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। और ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा अपर कोनिकल पार्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल का जो अपर कोनिकल पार्ट है वो हमारा क्या बना रहा है, आउटफ्लोइंग पार्ट बना रहा है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहीं से हमारी क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। तो यहीं से, यहाँ है ना पल्मोनरी वॉल्स हैं, तो यहीं से हमारी क्या निकल रही होती है, पल्मोनरी ट्रंक निकल रही होती है। तो जो इनफंडिबुलम है या फिर आउटफ्लोइंग पार्ट है राइट वेंट्रिकल का, वो स्मूथ होता है, अपर कोनिकल पार्ट होता है। और यहीं से, ये यहीं से जो है हमारी पल्मोनरी ट्रंक राइज करती है। इसके अलावा ये जो हमारे दोनों पार्ट होते हैं राइट एट्रियम के, इसका आउटफ्लोइंग पार्ट या फिर इनफंडिबुलम, और इसका इनफ्लोइंग पार्ट या फिर इनफ्लोइंग पार्ट, ये जो आउटफ्लोइंग पार्ट है और इसका इनफ्लोइंग पार्ट है, ये एक दूसरे से सेपरेटेड होता है। किसके थ्रू, एक मस्कुलर रिज के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, ये जो सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट है, ये क्या है, एक मस्कुलर रिज है जो क्या करती है, सेपरेट करती है इस इनफ्लोइंग पार्ट को, ये सॉरी, ये आउटफ्लोइंग पार्ट को इस इनफ्लोइंग पार्ट से। तो इसका जो आउटफ्लोइंग पार्ट है और जो इसका इनफ्लोइंग पार्ट है, ये एक दूसरे से सेपरेटेड होता है एक मस्कुलर रिज के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। और ये हमारा कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये जो सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रस्ट, अगर मैं पूछूँ ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हमारी ट्राइकस्पिड वॉल है ना, और यहाँ पर क्या हमारी पल्मोनरी ऑरिफिसेस है। तो पल्मोनरी ऑरिफिसेस और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बीच में, ये पल्मोनरी ऑरिफिसेस, ये क्या है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल, इसके बीच में क्या देखने को मिल रहा है, ये मस्कुलर रिज, जिसे क्या बोल रहे, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, क्योंकि सेपरेट कर रहा है आउटफ्लोइंग पार्ट को इनफ्लोइंग पार्ट ऑफ दी राइट वेंट्रिकल से। वहीं अगर मैं इसके इंटरनल फीचर्स की और बात करें, तो इसके इंटरनल फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे, दो ऑरिफिसेस देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस, या फिर जिसे मैं ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस बोलते हैं, जो जिसको गार्ड कौन करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑफ दी हार्ट। इसके अलावा हमारा पल्मोनरी ऑरिफिसेस, जिसको गार्ड कौन करती है, हमारी पल्मोनरी वॉल्व। तो ये दो ऑरिफिसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके इनफ्लोइंग पार्ट में मैंने बताया था अभी कि ट्रेबिकुलाय कार्ने होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इनफ्लोइंग पार्ट है वो हमारा रफ है। इसी के इनफ्लोइंग पार्ट में
हमें और क्या देखने को मिलता है, ट्रैबिकुलर कार्नी या फिर जिसे हम मस्कुलर रिज बोलते हैं, ये हमारे तीन तरीके के होते हैं, रिजिस, ब्रिजिस एंड पैपिलरी मसल। क्या क्या होते हैं हमारे? रिजिज होते हैं, ब्रिजिज होते हैं और पैपिलरी मसल होते हैं, या फिर जिसे हम पिलर्स बोलते हैं, रिजिज, ब्रिजिज, पिलर्स या फिर पैपिलरी मसल। तो जो इनफ्लोइंग पार्ट है राइट वेंट्रिकल का, वहां पर जो ये जो ट्रेबिकुलाई कार्ने हैं, ये जो मस्कुलर रिज है, ये हमारे तीन तरीके के होते हैं, रिजिज, ब्रिजिज और पिलर्स, या फिर जिसे हम पैपिलरी मसल बोलते हैं। इसके अलावा हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हमारा ओब्लिगली प्लेस्ड होता है, और ऐसे प्लेस्ड होता है कि इसका वन सरफेस जो है, एक सरफेस जो है इसका फेस करता है फॉरवर्ड एंड टू द राइट, एंड जो अदर फेस है वो हमारा बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट होता है। और इसी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, ये बात याद रखना, जो इसका जो अपर पार्ट होता है वो थिन और मेम्ब्रेनस होता है, वहीं जो इसका लोअर पार्ट होता है वो थिक मस्कुलर और सेपरेट करता है दो वेंट्रिकल्स को। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। सो अगर हम अब इस राइट वेंट्रिकल की बात करें, तो राइट वेंट्रिकल की पहले हम तीन बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, कौन कौन से हैं। द राइट वेंट्रिकल इज अ ट्राइंगुलर चेम्बर विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप इट टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज एंड एंड पल्मोनरी आर्टरीज। इट फॉर्म्स द इंटीरियर बॉर्डर, टू थर्ड पार्ट ऑफ द स्टर्नो कोस्टल सर्फेस एंड वन थर्ड पार्ट ऑफ द इंटीरियर सर्फेस ऑफ दी हार्ट। अब हम इसका क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर। तो राइट वेंट्रिकल के अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, तो एक्सटर्नली क्या दो सर्फेस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? तो एक्सटर्नली राइट वेंट्रिकल हैज अ टू सर्फेस, एंटीरियर और स्टर्नो कोस्टल सर्फेस एंड इंफीरियर और डायफ्रामेटिक सर्फेस। इसके अलावा इंटीरियर हैज अ टू पार्ट बताया, क्या था? इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट। इनफ्लोइंग पार्ट इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर रिज कॉल्ड द ट्रैबिकुलाई कार्ने, एंड आउटफ्लोइंग पार्ट इन फंडिबुलम इज स्मूथ एंड फॉर्म्स द अपर कोनिकल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, गिव राइज टू द पल्मोनरी ट्रंक। द टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर रिज कॉल्ड द सुपरा वेंट्रिकुलर क्रस्ट, सिचुएटेड बिटवीन द ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी ऑरिफिसेस। इंटरनल फीचर्स की बात करें, द इंटीरियर शोज टू ऑरिफिसेस, द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑफ द हार्ट, द पल्मोनरी ऑरिफिसेस गार्डेड बाय द पल्मोनरी वॉल्व, द इंटीरियर ऑफ द इनफ्लोइंग पार्ट शोज द ट्रेबिकुलाई कार्ने और द मस्कुलर रिज ऑफ थ्री टाइप्स, रिजेस, ब्रिजेस एंड पिलर्स, पिलर्स और वी कैन से दैट द पेपिलरी मसल्स। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करें, बताया था कि इट इज प्लेस्ड ओब्लीगली, वन सरफेस फेसेस फॉरवर्ड एंड टू द राइट एंड अदर फेसेस बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। कुछ इस तरीके से होगा ना, तो एक तो राइट फॉरवर्ड होगा, राइट की तरफ फेस करेगा, एक हमारा कैसा होता है बैकवर्ड होता है, लेफ्ट की तरह फेस करता है। अपर पार्ट इज थिन, अपर पार्ट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस, वहीं जो लोअर पार्ट होता है इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का वो कैसा होता है, थिक होता है। अपर थिन है, लोअर पार्ट थिक होता है, थिक मस्कुलर एंड सेपरेट्स द टू वेंट्रिकल्स। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल खत्म। अब हम क्या देखेंगे, लेफ्ट एट्रियम। तो अगर हम इस लेफ्ट एट्रियम की बात करें, तो ये हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जल्दी जल्दी इसे भी हम ख़त्म करते हैं, इस लेफ्ट एट्रियम को। सो लेफ्ट एट्रियम की बात करें, तो लेफ्ट एट्रियम इज अ क्वाड्रेंगुलर चेम्बर सिचुएटेड पोस्टीरियरली। वैसे भी एट्रियम तो हमारा पोस्टीरियर में होता है ना, तो बिहाइंड द वेंट्रिकल्स होता है ना, और अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। तो लेफ्ट एट्रियम इज अ क्वाड्रेंगुलर चेम्बर सिचुएटेड पोस्टीरियरली इट्स अपेंडेजेस लेफ्ट ऑरिकल। तो राइट एट्रियम का जो अपेंडेजेस था
उसे हम क्या बोल रहे थे, राइट ऑरिकल, एज ए लेफ्ट एट्रियम का जो अपेंडिज, जो इसका प्रोजेक्शन होगा, अपेंडिजेस मतलब प्रोजेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट एट्रियम का प्रोजेक्शन को बोल रहे हैं लेफ्ट ऑरिकल, राइट एट्रियम के प्रोजेक्शन को बोल रहे हैं राइट ऑरिकल। सो इट्स अपेंडिजेस लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली टू ओवरलैप द इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। इनफंडिबुलम क्या होता है, अब तो मैंने बता ही दिया इनफंडिबुलम क्या है ना। सो द लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द लेफ्ट टू थर्ड। अब लेफ्ट एट्रियम क्या क्या फॉर्म करेगा, देखो ध्यान से सुनना। लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द टू थर्ड ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट, पोस्टीरियर में है ना, तो बेस पोस्टीरियर सर्फेस क्या कहलाता है, हार्ट का बेस ऑफ द हार्ट कहलाता है। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट टू थर्ड ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट फॉर्म करता है। इसका ग्रेटर पार्ट, लेफ्ट एट्रियम कहाँ होगा, ऊपर अपर पार्ट में सिचुएटेड होता होगा, तो इसका ग्रेटर पार्ट फॉर्म करता है अपर बॉर्डर। इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट ये स्टर्नोकोस्टल सरफेस का भी फॉर्म करता है। इसके अलावा ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, तो ये लेफ्ट सरफेस और लेफ्ट बॉर्डर भी फॉर्म करेगा। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट एट्रियम क्या फॉर्म कर रहा है, लेफ्ट टू थर्ड ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट, ग्रेटर पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर पार्ट ऑफ स्टर्नो कोस्टल सरफेस एंड लेफ्ट सरफेस एंड लेफ्ट बॉर्डर। तो ये सब चीजों जो है लेफ्ट एट्रियम फॉर्म करता है। इट रिसीव, लेफ्ट एट्रियम क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है ना। सो इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू फोर पल्मोनरी वेन्स एंड पंप्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर और बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। तो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होती है जिसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, या फिर मिट्र, और ये यहाँ जो ऑर्फिसिस होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड या फिर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्फिसिस बोलते हैं। और इसको जो गार्ड करता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, दो कस्प होती है इसकी। अब इसके कुछ फीचर्स और देख लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम के कुछ फीचर्स की और बात करें, सो द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द ओब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। सो जो इस लेफ्ट एट्रियम का जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या फॉर्म करता है, एंटीरियर वॉल फॉर्म करता है ओब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम का। वहीं एंटीरियर वॉल ऑफ एट्रियम इज फॉर्म्ड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। तो जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो इसका एंटीरियर वॉल फॉर्म करता है लेफ्ट एट्रियम का। द टू पल्मोनरी वेन्स, अब दो पल्मोनरी वेन्स जो है ओपन होती है इनटू द एट्रियम और ऑन ईच साइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल में जो है दो पल्मोनरी वेन जो है ओपन होती है। इसके अलावा मस्कुलाई पेक्टिनिटी, तो ये जो इसका जो लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन होता है तो जो उस पोर्शन में जो मस्कुलाई पेक्टिनिटी है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ, और पूरे पूरे लेफ्ट एट्रियम में मस्कुलाई पेक्टिनिटी प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जो सिर्फ जो ऑरिकल वाला जो पोर्शन है लेफ्ट ऑरिकल, वहीं पर मस्कुलाई पेक्टिनिटी देखने को मिलता है। सो द मस्कुलाई पेक्टिनिटी आर प्रेजेंट ओनली इन द ऑरिकल। तो फीचर्स में क्या है, द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द एट्रियम फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द ओब्लिक साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम, एंटीरियर वॉल्स ऑफ द वॉल ऑफ द एट्रियम इज फॉर्म बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम एंटीरियर वॉल फॉर्म कर रहा है, द टू पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रही है ये इसी एट्रियम में, इसके पोस्टीरियर वॉल में, मस्कुलर पेक्निटी आर प्रेजेंट ओनली इन द ऑरिकल, वो सिर्फ ऑरिकल में प्रेजेंट होती है। अब हम क्या देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब हम इस लेफ्ट वेंट्रिकल को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर मैं इस लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप इट इनटू द अरोटा, इट फॉर्म्स द एपेक्स। और ये क्या क्या फॉर्म करेगा,
ये फॉर्म करेगा एपेक्स ऑफ द हार्ट, पार्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस, मोस्ट ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट सरफेस एंड लेफ्ट टू थर्ड ऑफ द डायफ्रामेटिक सरफेस। तो लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने बताया था, जब मैंने आपको एपेक्स बताया होगा, एपेक्स में मैंने अभी बताया था कि जो एपेक्स है हार्ट का वो क्या फॉर्म करता है, कौन फॉर्म करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इंटायर एपेक्स इज एंटायरली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक तो एपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म कर रहा है, दूसरा स्टर्नोकोस्टल सरफेस, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट बॉर्डर तो करेगा ही, इसके अलावा लेफ्ट सरफेस और लेफ्ट टू थर्ड ऑफ द डायफ्रामेटिक सरफेस। तो एक्सटर्नली अगर मैं इस लेफ्ट वेंट्रिकल को देखूंगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी सरफेसेस देखने को मिलेगी, तो तीन सरफेस देखने को मिलेगी ना, एक तो कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर या फिर एक्सटर्नल कोस्टल सरफेस देखने को मिलेगी, एक इंफीरियर सरफेस या फिर डायफ्रामेटिक सरफेस जिसे बोलते हैं वो देखने को मिलेगी, और तीसरी हमारी लेफ्ट सरफेस देखने को मिलेगी। तो एक्सटर्नली लेफ्ट वेंट्रिकल को देखने पर क्या देखने को मिलेगा, तीन सरफेसेस देखने को मिलती है। अब वो तीन सरफेसेस हमारी कौन कौन सी है, तो वो है हमारी एक तो इंटीरियर में स्टर्नो कोस्टल सरफेस, और हमारी इंफीरियर या फिर डायफ्रामेटिक सरफेस, और हमारी लेफ्ट सरफेस। और अगर मैं इंटरनली बात करूं तो इंटरनली ये भी हमारा डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एक होता है हमारा लोअर रफ पार्ट क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रैबिकुलर कार्ने, और अपर स्मूथ पार्ट, और जिसे हम क्या बोलते हैं, अरोटिक वेस्टिब्यूल, गिव्स ओरिजिन टू द असेंडिंग अरोटा, तो इसे अरोटिक वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। तो अपर पार्ट स्मूथ है और अरोटिक वेस्टिब्यूल बनाता है, अरोटिक वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, और ये किसका ओरिजिन देता है, तो असेंडिंग अरोटा का। इंटीरियर ऑफ द वेंट्रिकल शो द टू ऑरिफिस, यहाँ पर भी दो ऑरिफिसेस होंगे, एक तो हमारा लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर और बाइकस्पिड या फिर मिट्रल ऑरिफिसेस, जिसे कौन गार्ड करेगा, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी दो कस्प होती है, और दूसरा क्या होगा हमारा अरोटिक ऑरिफिसेस, जिसे कौन गार्ड करता है, अरोटिक वॉल्व। दे दीज आर टू वेल डेवलप्ड, इधर क्या होती है हमारी, देयर आर टू वेल डेवलप्ड पेपिलरी मसल, यहाँ पर हमारी दो वेल डेवलप्ड पेपिलरी मसल्स होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्डे टेंडिने, फ्रॉम बोथ द मसल्स आर अटैच्ड टू बोथ द कस्प ऑफ द मिट्रल वॉल, और ये दोनों ही कस्प पे जाकर अटैच हो जाती हैं। द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर 3 times थिकर देन दोज ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के मुकाबले जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं, वो हमारी क्या होती है, 3 times थिकर होती हैं। तो क्या क्या है, दो ऑरिफिसेस देखने को मिल रहे हैं, और देयर आर टू वेल डेवलप्ड पेपिलरी मसल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्डे टेंडिने फ्रॉम बोथ द मसल्स आर अटैच टू बोथ द कस्प ऑफ द मिट्रल वॉल्व। अब ये कस्प क्या होती है, अभी मैं ये भी बताऊंगा। द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो वॉल्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के, वो 3 times थिकर होते हैं देन दोज ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सो हमने हार्ट के चारों चैम्बर देख लिए, हमने राइट एट्रियम भी देख लिया, राइट वेंट्रिकल भी देख लिया, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लिनिकल अनाटमी, क्या पढ़ेंगे, क्लिनिकल अनाटमी। सो क्लिनिकल अनाटमी की अगर मैं बात करूं, सो द एरिया ऑफ चेस्ट वॉल ओवरलाइंग द हार्ट, पहला पॉइंट क्या है इसकी क्लिनिकल अनाटमी में, द एरिया ऑफ चेस्ट वॉल ओवरलाइंग द हार्ट इज कॉल्ड प्री कार्डियम, इसे क्या बोलते हैं, प्री कार्डियम बोलते हैं। द एरिया ऑफ द चेस्ट वॉल, जो एरिया ऑफ द चेस्ट वॉल ओवरलाइंग, एरिया ऑफ द चेस्ट वॉल ओवरलाइंग द हार्ट इज कॉल्ड प्री कार्डियम, क्या बोलते हैं, प्री कार्डियम, क्या बोलते हैं, प्री कार्डियम, क्या बोलेंगे, प्री कार्डियम। इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज होता है उसे क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। डिक्रीज हार्ट रेट इज कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया, एंड इरेगुलर हार्ट रेट इज कॉल्ड एरिथमिया। ठीक है,
अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ दी हार्ट। स्ट्रक्चर्स ऑफ दी हार्ट में हम क्या देखेंगे, वॉल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वॉल्स की तो हमने बात की है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये वॉल्स होती क्या है, क्या करती है, कितने तरीके की होती है, तो ये सब हम इस स्ट्रक्चर्स ऑफ दी हार्ट में देखेंगे। सो द वॉल्स मेंटेन द यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ दी ब्लड एंड प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। द टू पेयर्स ऑफ वॉल्स हमारे हार्ट में मौजूद होती है, एक तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होगी, इसके अलावा हमारी दूसरी कौन होती है, सेमी लूनार वॉल्व होती है। तो अगर हमारे दो पेयर्स ऑफ वॉल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, तो पहले हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की बात करें तो इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, बताया, इट हैज थ्री कस्प। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इट हैज टू कस्प। एंड सेमी लूनार वॉल्व की बात करें, सेमी लूनार वॉल्व को सेमी लूनार वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेमी लूनार शेप की होती है। सो सेमी लूनार वॉल्व की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स द एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, और दोनों की हमारी तीन तीन कस्प होती हैं। कस्प क्या है, मैंने बताया, अभी मैं बताऊंगा कस्प क्या होती है। तो कस्प आर द फोल्ड्स ऑफ एंडोकार्डियम, ये क्या होती है, एंडोकार्डियम की फोल्ड्स होती हैं जो स्ट्रेंथेंड करती है बाय द लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, एंड अगर मैं थोड़ा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के बारे में बताऊं, बोथ द वॉल्स मेड अप ऑफ किसकी बनी होती हैं, तो फाइब्रस रिंग, कस्प आर फ्लैट एंड प्रोजेक्ट इनटू द वेंट्रिकुलर कैविटी कॉर्डे टेंडिने। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स आर कैप्ड कॉम्पिटेंट बाय द पेपिलरी मसल। ठीक है, ये सब भी मैंने दिखाया, पेपिलरी मसल वगैरह डायग्राम में दिखाया था। सेमी लूनार वॉल्व की बात करें, एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स आर कॉल्ड सेमी लूनार बिकॉज ऑफ देयर कस्प, सेमी लूनार इन शेप, बताया सेमी लूनार इन शेप होती है इसकी कस्प, इसीलिए इसे सेमी लूनार वॉल्व बोलते हैं। ईच वॉल्व्स हैज थ्री कस्प विच आर अटैच डायरेक्टली टू द वेसल वॉल, अपोजिट टू द कस्प द वेसल वॉल आर स्लाइटली डायलेटेड टू फॉर्म द एरोटिक एंड पल्मोनरी साइनसिस। सो इसके साथ हमारा इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है वो खत्म हुआ। अब हम क्या देखेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम देखेंगे। सो अगर मैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करूं, तो इसको भी हम क्या समझेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे। तो इसको भी हम एक डायग्राम से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस वाले डायग्राम से समझेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को। सो इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, हमारे क्या होता है, इसके पास हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, साइनो एट्रियल नोड। तो ये क्या है हमारा, साइनो एट्रियल नोड, इसे ऐसे नोड भी बोलते हैं। और इस साइनो एट्रियल नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या होता है हमारा, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और ये जनरेट करता है इम्पल्स एट द रेट ऑफ अबाउट 70 to 100 बीट्स पर मिनट एंड इनिशिएट द हार्ट बीट। तो ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सो यहाँ पर इसे कंडक्टिंग सिस्टम में पहला क्या हमारा, साइनो एट्रियल नोड है। ये क्या है हमारा, साइनो एट्रियल नोड है। और ये जो साइनो एट्रियल नोड है, ऐसे नोड है, इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जनरेट करता है इम्पल्स एट द रेट ऑफ अबाउट 70 to 100 बीट्स पर मिनट और इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, तो इसीलिए इसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ये हॉर्स शू शेप्ड होता है और सिचुएटेड होता है एट्रियो केवल जंक्शन पे। कहाँ पर ये सिचुएटेड होता है, एट्रियो केवल जंक्शन पे, और इसके थ्रू जो इम्पल्स हैं एट्रियल वॉल्स के थ्रू हमारी रीच करती है एवी नोड के, एवी नोड में, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में। तो साइनो एट्रियल नोड से हमारी इम्पल्स कहाँ पहुंच रही है, एट्रियल वॉल्स के थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में, या फिर जिसे हम एवी नोड बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारा सिचुएटेड होता है लोअर, ये सिचुएटेड होता है लोअर एंड डोर्सल पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। ये लोअर एंड डोर्सल पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम में सिचुएटेड होता है जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस। तो
तो वहां पर हमारा क्या सिचुएटेड है, एवी नोड। अब इंपल्स यहां तक पहुंच गया, अब एवी नोड से हमारे इंपल्स कहाँ जाएंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, एवी बंडल, या फिर जिसे हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। इसके ये क्या करता है, ये हमारा ओनली मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द एट्रियल, इट इज द ओनली मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। और यहां से क्या होता है, जो एवी नोड से जो इंपल्स है डिसेंड करती है अलोंग द पोस्टीरियर पोस्टीरियो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम, पोस्टीरियो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ, ये क्या हमारी वेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो इस वेंट्रिकुलर या एवी नोड से हमारी कहां पर आई, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में आई, कहां पर आई, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में आई, कहां पर आई, तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल हमारा कहां पर देखने को मिल रहा है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल हमारा देखने को मिल रहा है एट्रियो, ये देखने को मिल रहा है हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टम पर, कहां पर देखने को मिल रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम पर देखने को मिल रहा है, कहां पर देखने को मिल रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम पर देखने को मिल रहा है। और इसी वेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर पार्ट में, एट द अपर बॉर्डर, इसी मस्कुलेचर के अपर ही पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, किसमें, दो पार्ट में, एक राइट और एक लेफ्ट। तो एक तो है हमारा राइट राइट ब्रांच जा रही है, एक तो क्या है हमारी राइट ब्रांच जा रही है, एक हमारी क्या है लेफ्ट ब्रांच है। तो अपर ही बॉर्डर पर ये हमारा किसमें डिवाइड हो रहा है, राइट ब्रांच ऑफ ए बी बंडल और हमारा लेफ्ट ब्रांच ऑफ ए बी बंडल में। तो जो राइट ब्रांच है एवी बंडल की, वो हमारी इसी इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका जो लार्जर वाला पार्ट है, और ये जो हमारा राइट ब्रांच है एवी बंडल का, ये फिर हमारी राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, ये क्या हमारे प्रिकिंजे फाइबर्स, किसमें डिवाइड हो जाएगा, प्रिकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा। और जो इसका लेफ्ट वाला ब्रांच होगा वो हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वहां पर ये हमारा किसमें डिवाइड हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई देगा, ये हमारा किसमें, प्रिकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये प्रिकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, ये प्रिकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये एक तरीके से हमारे सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस हैं, और इसमें यूजली हमारा क्या होता है, डबल न्यूक्लियाई होता है, और ये जनरेट करते हैं इम्पल्सिस एट द रेट ऑफ 20 to 35 बीट्स पर मिनट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा एसए नोड है, इसने इम्पल्स जनरेट किया, ये एवी नोड एट्रियल वॉल्स के थ्रू पहुंचा, फिर ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, इससे हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में है, अपर बॉर्डर ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम ये डिवाइड हो गया राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल, इसके थ्रू इसने जो राइट ब्रांच है इसने राइट वेंट्रिकल को सप्लाई किया, पर कैसे, ये डिवाइड हो गया प्रकिंजे फाइबर्स में, और जो लेफ्ट वाली बंडल है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई किया, किसके थ्रू, तो प्रिकिंजे फाइबर्स के थ्रू। प्रिकिंजे फाइबर्स क्या है, सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस है, और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, यूजली पोजेस करता है डबल न्यूक्लियाई, दीज जनरेट आ इम्पल्स, ये कैसे, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं एट द रेट ऑफ 20 to 35 बीट्स पर मिनट। तो एक बार हम इसे थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। अगर हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट का थ्योरेटिकल पार्ट देखें, इट हैज द फॉलोइंग पार्ट, साइनो एट्रियल नोड और एसए नोड, नॉन एज द पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, जनरेट द इम्पल्स एट द रेट ऑफ अबाउट 70 to 100 बीट्स पर मिनट, एंड इनिशिएट द हार्ट बीट, हॉर्सू शेप्ड एंड सिचुएटेड एट द एट्रियो केवल जंक्शन, इम्पल्सिस ट्रेवल थ्रू द एट्रियल वॉल टू रीच द एवी नोड, द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड सिचुएटेड इन द लोअर डोर्सल पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस। बता दिया था एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज ओनली मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर बीइंग बिगेंस एज द एवी नोड डिसेंड अलोंग द पोस्टीरियो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द वेंट्रिकल सेप्टम एट द अपर बॉर्डर ऑफ द मस्कुलर पार्ट ऑफ द सेप्टम, इट डिवाइड्स इनटू द राइट
एंड लेफ्ट ब्रांच द राइट ब्रांच ऑफ ईवी बंडल पासेस डाउन टू द राइट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अ लार्ज पार्ट एंटर्स द मॉडरेट बैंड टू रीच द एट्रियल इंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल वेयर इट डिवाइड्स इनटू द प्रिकिंजे फाइबर्स एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ ईवी बंडल डिसेंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर डिवाइडिंग इंटू द प्रिकिंजे फाइबर्स एंड प्रिकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं सो द प्रिकिंजे फाइबर्स फॉर्म आ क्या होते हैं फॉर्म आ सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस दे यूजली पॉजेस अ डबल न्यूक्लियाई दी जनरेट अ इम्पल्सिस एट द रेट ऑफ 20 to 35 बीट्स पर मिनट तो ये हमारा कंडक्टिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ अब हम क्या देखेंगे आर्टरी सप्लाइंग दी हार्ट सो इस आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट को भी हम क्या समझेंगे एक डायग्राम से समझेंगे तो उस डायग्राम से समझते हैं इसके कोर्स को इसके ओरिजिन को कहाँ से ये ओरिजिन कर रहा है हमारा तो इस सब को हम समझेंगे एक डायग्राम से तो उस डायग्राम से समझते हैं हम इस वाले डायग्राम से समझेंगे जो हार्ट को आर्टरी जो सप्लाई कर रही है उसके कोर्स को उसके ओरिजिन को इस वाले डायग्राम से समझेंगे तो इसमें जो ये वाली जो सरफेस है ना ये स्टर्नो पोस्टल सरफेस है और एक और दूसरा डायग्राम है ये वाला इसमें क्या है ये हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस है तो इन दोनों डायग्राम से हम इसकी जो आर्टरी जो सप्लाई कर रही है हार्ट को उसको हम इन दोनों डायग्राम से समझेंगे तो पहले इस वाले डायग्राम से देखते हैं तो जो हार्ट को जो सप्लाई करती है वो कौन करती है तो हार्ट को सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी तो कोरोनरी आर्टरी हमारी हार्ट को सप्लाई करती है अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये हमारी दो होती है सो टू कोरोनरी आर्टरी जो है हमारी सप्लाई करती है हार्ट को और ये दोनों जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारी कहाँ से ओरिजिन लेती है तो असेंडिंग अरोटा से तो ये क्या है हमारा असेंडिंग अरोटा यहीं से इसी असेंडिंग अरोटा से ये जो असेंडिंग अरोटा है इसी असेंडिंग अरोटा से हमारी दोनों की दोनों कोरोनरी आर्टरी जो है ओरिजिन लेती है कौन दो है एक है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी ये जो है ये वाला पार्ट ये क्या होगा हमारा एपेक्स है तो एपेक्स हमारा लेफ्ट साइड में होता है यानी ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है तो इस डायग्राम में तो यहाँ जो ये जो दिख रही है ये क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी और ये जो देखने को मिल रही है लेफ्ट साइड में ये क्या है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो पूरी की पूरी हार्ट को हमारी कौन सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी दो कोरोनरी आर्टरी है एक है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और इन दोनों की ही जो ब्रांचेज है वो हमारी पूरी की पूरी आर्टरीज को पूरी के पूरे हार्ट को सप्लाई करती है तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारी कहाँ से ओरिजिन लेती है तो ये लेती है हमारी असेंडिंग अरोटा से जैसा कि इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है तो एक एक करके बात करते हैं पहले मैं इस राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करता हूँ तो ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसमें आपको पहली बात क्या पता होनी चाहिए ये हमारी स्मॉलर होती है देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के मुकाबले में राइट कोरोनरी आर्टरी हमारी स्मॉलर होती है दूसरा पॉइंट ये हमारी कहाँ से ओरिजिन लेती है तो ये ओरिजिन लेती है असेंडिंग अरोटा से तो दोनों ले रही है और कहाँ से पट अराइज कर रही है तो फ्रॉम द एंटीरियर अरोटिक साइनस एंटीरियर अरोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अरोटा सो बेसिकली ये असेंडिंग अरोटा में भी कहाँ से ओरिजिन लेती है तो एंटीरियर अरोटिक साइनस से हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन लेती है वहीं अगर मैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करूं तो ये भी हमारी असेंडिंग अरोटा से ओरिजिन लेती है बट असेंडिंग अरोटा में भी कहाँ से तो लेफ्ट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस से तो राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर अरोटिक साइनस से ओरिजिन ले रही है असेंडिंग अरोटा की और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर अरोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अरोटा से ओरिजिन ले रही है तो एक एक करके मैं इन दोनों के कोर्स की सेपरेट सेपरेटली बात करता हूँ तो पहले मैं राइट कोरोनरी आर्टरी के कोर्स की बात करूँ सो इट जस्ट पासिस
ये जो है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारी पास करती है फॉरवर्ड एंड टू द राइट टू इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द राइट ऑरिकल, इट देन रन्स डाउनवर्ड इन द राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। ये कहाँ पर? हमारा राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में जो है डाउनवर्ड रन करता है, और ये हमारा टू द जंक्शन ऑफ द राइट एंड एंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ये हमारा वाइंड करता अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रागमेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट, यानी इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। तो हुआ क्या, ये हमारा क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारा नीचे डाउनवर्ड पास किया, डाउनवर्ड गया किसके अंदर, तो राइट कोरोनरी सल्कस। तो राइट कोरोनरी मैंने बताया भी था राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ लॉन्च करती है, राइट कोरोनरी सल्कस में। तो ये हमारा राइट कोरोनरी सल्कस में डाउनवर्ड नीचे गया, और नीचे जाकर यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट बॉर्डर है, और ये क्या है हमारा इंफीरियर बॉर्डर है। तो जो ये राइट बॉर्डर और जो इंफीरियर बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर हुआ, ये इंफीरियर बॉर्डर हुआ, तो राइट बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के जंक्शन, ये राइट बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर, इसका जंक्शन ये होगा, तो इसके जंक्शन पर जाकर राइट बॉर्डर और जो हमारा इसका राइट बॉर्डर है और जो इंफीरियर बॉर्डर है उसके जंक्शन पर जाकर ये वाइंड हुआ, मतलब ऐसे वाइंड कर रहा है ना, वाइंड कर रहा है, वाइंड करके ये हमारा कहाँ रीच कर रहा है, ये हमारा रीच कर रहा, वाइंड कर रहा है अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर, ये पूरा का पूरा इंफीरियर बॉर्डर में ये क्या कर रहा है, वाइंड कर रहा है, देखने को मिल रहा है ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये क्या हमारी इंफीरियर बॉर्डर, तो इंफीरियर बॉर्डर में वाइंड कर रही है, और वाइंड करके कहाँ रीच कर रही है, तो जो इसकी इंफीरियर सरफेस है डायफ्रामेटिक सरफेस है वहां रीच कर रही है। ये मैं आपको दूसरा वाला डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ क्या है डायफ्रामेटिक सरफेस दिखा रखी है, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और ये वाइंड करी है ना इंफीरियर बॉर्डर पर जाकर, और वाइंड करके ये हमारी बैकवर्ड गई एंड टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। कहाँ गई हमारी ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारी अब क्या है डायफ्रामेटिक सरफेस इंफीरियर सरफेस है, तो ये हमारी अब कहाँ जा रही है, यहाँ क्या होगा पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस, तो ये हमारी कहाँ राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में रीच करी, ये हमारी पहुंच गई है ना, ये हमारी बैकवर्ड गई और लेफ्ट साइड में जा रही है, ये हमारे क्या है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, तो ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड में जा रही, कहाँ जा रही लेफ्ट साइड में जा रही है, और लेफ्ट साइड में जाकर ये हमारी लेफ्ट साइड में जाकर ये हमारी राइट ये हमारी कहाँ पर रीच कर रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। यहाँ क्या होगा हमारा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, बता ना, तो जो एक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, तो जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो नियर टू द लेफ्ट मार्जिन होता है, वहीं जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो हमारा डायफ्रागमेटिक सरफेस पे होता है, तो जो ये हमारा कहाँ पर रीच कर रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जाकर ये हमारी रीच करती है। तो हुआ क्या, हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारी एंटीरियर एरोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अरोटा से उसने ओरिजिन लिया, और वो हमारी कहाँ पर, तो वो हमारी राइट कोरोनरी सल्कस में नीचे डाउनवर्ड आई, डाउनवर्ड आकर एट द जंक्शन ऑफ द इंफीरियर एंड द राइट बॉर्डर वो वाइंड करी और रीच करी डायफ्रामेटिक सरफेस, वहां पर वो बैकवर्ड गई एंड टू द लेफ्ट गई और पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में कहाँ पर रीच करने के लिए, तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रीच करने के लिए, और ये टर्मिनेट ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है देखने को मिल रहा होगा, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये टर्मिनेट होती है बाय एनास्टमोसिंग विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो ये क्या है हमारी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ ये हमारी एनास्टमोज कर रही है कहाँ पर, तो ये कर रही है हमारी क्रक्स ऑफ द हार्ट पर, तो ये जाकर हमारी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द ये जो क्या है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये क्या हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये टर्मिनेट हो रही है कहाँ पर हमारी बाय एनास्टमोसिंग, बाय एनास्टमोसिंग विद द सर्कमफ्लेक्स
ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एट दी क्रक्स ऑफ दी हार्ट। ये क्या हमारी क्रक्स ऑफ दी हार्ट, क्रक्स ऑफ दी हार्ट मैंने बताया था, इंटर एट्रियल ग्रूव, एट्रियो वेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव जो जहां पर मीट करती है, ये तीनों की तीनों जहां पर मीट करती है वो क्या बनाती है, क्रक्स ऑफ दी हार्ट बनाती है। तो वहां पर जो है ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी एनास्टमोस कर रही है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ दी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ और टर्मिनेट हो रही है। वहीं अगर मैं अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करूं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, तो इस वाले डायग्राम में वापस चलते हैं, ये जिसमें हमने स्टर्नो कोस्टल सरफेस दिखाया हुआ है, इसका इंटीरियर सरफेस दिखाया हुआ है, तो ये क्या हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और मैंने बताया ये कहाँ से ओरिजिन ले रही है, तो ये हमारी असेंडिंग अरोटा में पोस्टीरियर अरोटिक साइनस से ओरिजिन ले रही है। इसके कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारी पहले क्या कर रही है, ये हमारी रन कर रही है फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट एंड इमर्ज, और इमर्ज कर रही है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड टू द लेफ्ट ऑरिकल, और वहां पर ये क्या दे रही है, इट गिव्स, ये क्या दे रही है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ये देखने को मिल रहा होगा। एक तो ये देखो, ये जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इसकी दो ब्रांच देखने को मिल रही है, एक तो है ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच और दूसरी क्या है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। तो इसकी दो ब्रांच देखने को मिल रही है, ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, एक तो इसकी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है और एक है इसकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। और अगर मैं इसका फर्दर कंटिन्यूएशन इन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में जो वाली ब्रांच जा रही है ना वो हमारी क्या है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है जो हमारी फर्दर कंटिन्यू कर रही है वो हमारी क्या है, ये क्या है हमारी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। आफ्टर गिविंग ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ये हमारी रन करती है लेफ्ट, ये हमारी ये क्या होगा लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड में रन कर रहा है ना, तो ये हमारी जो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को देने के बाद ये जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारी कहाँ पर रन करती है, ये हमारी रन करती है रन टू द लेफ्ट इन द लेफ्ट कोरोनरी सल्कस, ये हमारी लेफ्ट साइड में रन करती है इन द लेफ्ट कोरोनरी सल्कस। तो ये हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देने के बाद ये हमारी लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में जो है हमारी ये हमारी रन करती है, कहाँ पर रन करती है, आफ्टर गिविंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ये जो आर्टरी है ये हमारी रन कर रही है कहाँ पर, लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में, और ये वाइंड करती है, ये क्या होगा इसका लेफ्ट बॉर्डर होगा, यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट बॉर्डर होगा, तो ये वाइंड कहाँ कर रही है लेफ्ट बॉर्डर, ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर में कर रहा था, ये हमारा कहाँ कर रहा है लेफ्ट बॉर्डर में वाइंड करता है, ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर में वाइंड करता है। अब कहाँ पहुंचेगा, पोस्टीरियर सरफेस से, ये डायफ्रामेटिक सरफेस पे पहुंचेगा, तो उस वाले डायग्राम पे चलते हैं, और वाइंड करके अब ये क्या लेफ्ट साइड है हो गया हो जाएगा, तो ये वाइंड करके अब यहाँ पर निकली, ठीक है, तो अब ये वाइंड करती है, वाइंड करी लेफ्ट बॉर्डर पे पूरी, है ना, लेफ्ट बॉर्डर पे पूरी इसने वाइंड किया है ना, और वाइंड करने के बाद ये कंटिन्यू ही लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में और नियर द पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, नियर द पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव इट एनास्टमोज विद द राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जो पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव है उसके पास में मतलब नियर में जाकर ये क्या हो गई एनास्टमोज हो गई इस राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स हुआ राइट कोरोनरी आर्टरी का और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम से समझाया, अब इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। पहले हम क्या देखेंगे इसमें आर्टरी सप्लाइंग दी हार्ट की अगर हम बात करें तो इसके पहले हम बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। डायग्राम में तो दिखाई दिया, अब हम थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं, किसको, आर्टरी सप्लाइंग दी हार्ट को जो कि हमारी क्या है कोरोनरी आर्टरी। सो द हार्ट इज सप्लाइड बाय द टू कोरोनरी आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम द असेंडिंग अरोटा,
अब दो कौन कौन सी है, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी है, एक हमारी क्या है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो राइट कोरोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें, सो राइट कोरोनरी आर्टरी इज अ स्मॉलर देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, बताया, इट अराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर अरोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अरोटा। कोर्स की बात करें, एट इट जस्ट पासिस फॉरवर्ड एंड टू द राइट टू इमर्ज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द राइट ऑरिकल, इट देन रन्स डाउनवर्ड इन द राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस टू द जंक्शन ऑफ द राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, इट वाइंड्स अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट, हियर इट रन्स बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, इट टर्मिनेट बाय द एनास्टमोजिंग विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एट द क्रक्स ऑफ द हार्ट। इसकी ब्रांचेस, इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही थी ना, वो भी देख लो कौन कौन सी ब्रांचेस थी। एट्रियल ब्रांचेस थी, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस थी, राइट मार्जिनल आर्टरी थी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच थी। एट्रियल ब्रांचेस की बात करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल होती है। वेंट्रिकुलर ब्रांचेस की बात करें तो एंटीरियर ग्रूव होता है क्योंकि हमारा इंटरनो कोस्टल सर्फेस पे निकलता है, और पोस्टीरियर ग्रूव ग्रुप होता है। तो वेंट्रिकुलर ब्रांचेस में एक तो एंटीरियर ग्रुप है और एक इसका पोस्टीरियर ग्रुप है। एंटीरियर ग्रुप हमारा स्टर्नो कोस्टल सरफेस में है और पोस्टीरियर ग्रुप इसका ट्रांसवर्सस और हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस पे है। राइट मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच भी है। अब अगर मैं इस राइट कोरोनरी आर्टरी के एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो राइट एट्रियम वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स में ग्रेट पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा राइट एट्रियम है, वेंट्रिकल्स में हमारा ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल है एक्सेप्ट एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक तो हमारा राइट एट्रियम है, वेंट्रिकल्स में भी ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट द एरिया एट जॉइनिंग द एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और किसको सप्लाई कर रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एट जॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड होल ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। तो इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना कि इसमें एक तो राइट एट्रियम को सप्लाई कर रहा है, वेंट्रिकल्स में ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट कौन सा एरिया, नहीं तो एडजॉइनिंग द एंटीरियर, एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एडजॉइनिंग पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है, एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड हूल ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। तो ये इसका क्या है, हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी का एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो अगर मैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करूं तो यहीं पर है हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज अ लार्जर, बताया, लार्जर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी, इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अरोटा, है ना, ये हमारा पोस्टीरियर अरोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अरोटा से ओरिजिन ले रहा है। कोर्स की बात करें, द आर्टरी फर्स्ट रन फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट एंड इमर्जेस बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, हियर इट गिव्स द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच,
बताया दो ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड आफ्टर गिविंग ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच आर्टरीज रन टू द लेफ्ट इन द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस इट वाइंड्स राउंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड कंटिन्यूज इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस नियर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इट इज टर्मिनेट बाय एनास्टमोजिंग विद द राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड इसकी ब्रांचेस की बात करें, सो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड सर्कमफ्लेक्स ब्रांच मैंने बताया। इसकी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें है हमारा लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में भी क्या लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट, वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकल्स को सप्लाई दे रहा है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल में किसको छोड़कर, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। सो एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। तो ये हमारा कंडक्टिंग सिस्टम में किसको सप्लाई करा, पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। तो अगर मैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम है, वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट, और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को छोड़कर एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को छोड़कर ये सप्लाई करता है। इसके अलावा एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल, तो इन सब को जो है हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई देती है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, वेन्स ऑफ द हार्ट, जो कि इसका हमारा आखिरी पोर्शन है। तो वेन्स ऑफ द हार्ट को भी जल्दी से देख लेते हैं, तो इसको भी एकदम जल्दी से, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है। सो कोरोनरी साइनस इट इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, कोरोनरी साइनस क्या है हमारा लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट है, क्या है हमारा लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस, इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एंड्स बाय ओपनिंग इन टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, इट रिसीव्स द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज। अब इसके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी वो देख लेते हैं। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं तो एक के करके देख लेते हैं। तो पहली जो है हमारी क्या है, ग्रेट कार्डियक वेन, पहली क्या हमारी ग्रेट कार्डियक वेन एकम्पनीज फर्स्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, फर्स्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। दूसरी क्या हमारी मिडल कार्डियक वेन एकम्पनीज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड तीसरी हमारी क्या है स्मॉल कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन एंड ग्रेट कार्डियक वेन एकम्पनीज द फर्स्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, मिडल कार्डियक वेन एकम्पनीज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड स्मॉल कार्डियक वेन एकम्पनीज द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और भी हमारी क्या है पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल रन्स ऑन द डायफ्रामेटिक सर्फेस यानी इंफीरियर सर्फेस, ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द मार्शल मार्शल इज अ स्मॉल वेन रनिंग ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस यानी बेस ऑफ द हार्ट एंड राइट मार्जिनल वेन एकम्पनीज द मार्जिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी की एक मार्जिनल ब्रांच थी ना तो उसको एकम्पनी करती है राइट मार्जिनल वेन। इसके अलावा एंटीरियर कार्डियक वेन होती है हमारी 3 और 4, सबसे बड़ी तो हमारी क्या कोरोनरी साइनस, उसमें उसकी हमारी ये 6 ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा हमारी क्या है एंटीरियर कार्डियक वेन्स 3 और 4 स्मॉल, इसमें छोटी छोटी वेन्स होती हैं विच रन्स पैरेलल टू वन अनदर, और हमारी क्या है वेने कार्डिस मिनिमे और थिबेशियन वेन और
स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन, ये हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन आर न्यूमरस स्मॉल वॉल्वलेस वेन प्रेजेंट इन ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट. तो वेन सप्लाइंग द हार्ट में क्या है कि हमारे बेसिकली तीन वेन्स हैं, उसमें से भी जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन है हार्ट की वो है कोरोनरी साइनस, जो कि हमारी लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में सिचुएटेड है. 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड बाय ओपनिंग इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम रिसीव करती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज. कौन कौन सी? तो एक है हमारी ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन. ग्रेट कार्डियक वेन एकम्पनीज करती है फर्स्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, मिडल कार्डियक वेन एकम्पनीज करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और स्मॉल कार्डियक वेन एकम्पनीज करती है राइट कोरोनरी आर्टरी. इसके अलावा हमारी होती है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो डायफ्रामेटिक सर्फेस पे रन करती है. ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल इज अ स्मॉल वेन रनिंग ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस एंड राइट मार्जिनल वेन एकम्पनीज द मार्जिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी. इसके अलावा हमारी एक और हमारी दो और होती है. कौन होती है? एक एंटीरियर कार्डिक वेन, जो कि हमारी 3 से 4 स्मॉल स्मॉल वेन्स हैं जो रन कर रही है पैरेलल टू वन अनदर. इसके अलावा वेन ए कार्डिस मिनिम है, जो कि हमारी स्मॉलेस्ट कार्डिक वेन होती है, जो इसे हम थ्रिएशन वेन्स के नाम से भी जानते हैं. यह हमारी इस न्यूमरस छोटे छोटे स्मॉल वॉल्वलेस वेन्स होती हैं जो कि फोर चैम्बर्स में सिचुएटेड होती हैं. तो इसके साथ हमारा वेन्स ऑफ दी वेन सप्लाइंग दी हार्ट भी कंप्लीट हुआ. और इसी के साथ ये जो हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा हार्ट का, हार्ट एनाटमी, ये हमारा कंप्लीट होता है. सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद.